हेलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग ऑल लवली फ्यूचर डॉक्टर्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? हेलो तेजर, चिंकी, गुन्नू, नफीश, आ तो गया हूँ मैं, आवाज नहीं आ रही मेरी, क्यों नफीश जी? हाँ जी, आपू कुमार, जुबिया, पानी पूड़ी वाला, बहुत बढ़िया बेटा। अंजलि, थैंक यू, हैप्पी टीचर्स डे टू यू आल्सो। ठीक है, थैंक यू सर। मुर्गा बन जाओ, बिल्कुल बनेंगे मुर्गा, पहले तुम बनो। नेचर लवर यश गुप्ता, मुजमिल, नितिन, सुमित, ऑल राइट, खुशी, मनी, मैनी मोर स्टूडेंट देयर, कमलेश, बच्चा, चिंकी, चौधरी, अंकुर, अमित, सक्षम, निधि, हाँ जी, थैंक यू फॉर योर वार्म विशेसेस, राहुल, सुमित्रा, ऋषभ, बहुत सारे बच्चे हैं जी, रागनी, जुबिया, वेल, हरिओम हरिओम, ड्रीमर, अभिषेक, मयूर, शाहिल, नेहा, और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बेटा जितने बच्चे आ चुके हैं, 2000 से, हाँ जी आ गए आप, चलिए फिर सेशन के लिए जोरदार लाइक ठोक दीजिए दबा के। चलिए आज आपका वन शॉट खत्म करते हैं। थैंक यू अफरीन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हाँ बेटा, सेशन के लिए जोरदार लाइक ठोक दीजिए दबा के और आज आपका वन शॉट खत्म कराते हैं बेटा। एक्सक्रेटरी सिस्टम लास्ट तक बने रहे, सोना नहीं है, वन शॉट खत्म करा देंगे आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम। यस राहुल, जैकब, चलिए बेटा चले, विनोद, नफीश, तेजल, ऋषभ, चिंकी, सुमित, थैंक यू ऑल ऑफ यू, तान्या, विनोद, ऑल राइट, चलिए बेटा शुरू करते हैं। आपने जोरदार हिट कर दिया होगा सेशन को, जिन बच्चों ने बेटा, दो काम आप सबसे पहले किया करो, सेशन को लाइक ठोकना और मेरी अनअकैडमी की जो प्रोफाइल है उसको फॉलो करना, जरूर से याद रखें आप, ठीक है? चलिए जी, बहुत बढ़िया। बीओडी का फुल फॉर्म बता दीजिए बेटा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए जी, आपकी एनसीईआरटी की लाइन को बताएंगे, वन शॉट खत्म कराएंगे। जी हाँ, वेरी वार्म गुड इवनिंग, जो बच्चे नए आए बेटा सबको प्यार वाला गुड इवनिंग, नए पुराने सबको। चलिए जी, आज आइए एनसीईआरटी की लाइन पर, जहां से आपसे क्वेश्चन बनता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है आपका, बिल्कुल है। तो बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा और मैं आपको कुछ बातें बेटा बताना चाहूंगा, जरा उन बातों पर ध्यान से समझिएगा, ठीक है? थैंक यू खुशी, इधर ध्यान दे बेटा। हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं, हम किडनी के बारे में पढ़ते हैं, जब ह्यूमन पैनल किडनी के बारे में पढ़ेंगे, हमको किडनी के बारे में पढ़ाया जाता है, किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करती है, बिला बिला बिला, कुछ बातें हैं बेटा जो तुम्हें किडनी के बारे में समझनी है, बहुत अच्छे से समझनी है, ठीक है? उन बातों को मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहूंगा, चैप्टर को शुरू करने से पहले पूरी तरीके समझ लीजिए बेटा, कि सबसे पहले यू हैव टू नो अबाउट द नॉर्मल किडनी फंक्शन, फिर मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बताऊंगा बच्चों। तो आप मुझे बताइए, नॉर्मल किडनी यदि फंक्शनिंग की बात की जाए तो आप सब लोग पता है क्या आंसर करेंगे? आप सब लोग यही बोलेंगे क्या, कि सर एक्सक्रीटरी है। क्या काम है सर? एक्सक्रीटरी फंक्शन है सर, एक्सक्रीटरी फंक्शन है सर, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है बेटा। दूसरा भी याद रखें, आयनिक बैलेंस। जी हाँ बच्चों, आयनिक बैलेंस भी बेटा एक बहुत बड़ा काम है। तीसरा काम भी याद रखें बच्चों, जो आपको नहीं पता बेटा, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ बेटा, इन सबको एब्जर्व करवाते हैं। क्या कराती है बेटा? एब्जर्प्शन होता है इनका। चलिए मैग्नीशियम तो आपके सिलेबस से बाहर हो जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, लेकिन कैल्शियम का याद रखना बेटा, कि नॉर्मल जो किडनी है, नेचुरल किडनी, नॉर्मल नेचुरल नॉर्मल किडनी, डायलिसिस मशीन की बात नहीं कर रहा मैं, नेचुरल किडनी एक्सक्रीटरी करता है, सबको पता है, एनिक बैलेंस करता है, सबको पता है, लेकिन कैल्शियम का एब्जर्प्शन कराता है। कहां से कराता है बेटा? याद रखिएगा, नॉर्मल किडनी कैल्शियम को लेती है, कहां से लेती है? फ्रॉम जीआईटी। कहां से लेती है बेटा? जीआईटी से लेती है, और किसको देती है? एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी इनटू ब्लड, ब्लड में देती है बेटा। तो इससे एक फिजियोलॉजिकल क्वेश्चन आपका बन जाता है। और चौथा फंक्शन तो आपको पता ही है, एरिथ्रोपोएटिन। तो चारों फंक्शन आपको पता होना चाहिए, इनसे बेटा नीट का क्वेश्चन बन जाता है, राइट? जिन बच्चों को नहीं पता है, यस बेटा गुड इवनिंग। यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, क्या एक मरीज है जो कि डायलिसिस मशीन पर है, तो आपको समझ आ गया कि वो डायलिसिस मशीन पर यदि वो मरीज होगा तो उसमें बेटा एरिथ्रोपोएटिन नहीं निकलेगा और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जीआईटी से नहीं हो पाएगा। मेनली एरिथ्रोपोएटिन किडनी से निकलता है 80% और जगह से भी निकलता है,
80% एरिथ्रोसाइट किडनी से निकलता है, दैट्स व्हाई हम आंसर किडनी करते हैं। अब सुनिए मेरी बात कि यदि कोई मरीज, बात को समझ लीजिए बेटा, यदि कोई पेशेंट है, एक पेशेंट है जो कि डायलिसिस मशीन पर है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, इस क्वेश्चन की मैं आपको बार बार बताता हूं, राइट। इफ अ पेशेंट, इफ योर पेशेंट इज सर्वाइविंग सर्वाइविंग ऑन आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी बेटा किसका नाम है जल्दी बताओ, डायलिसिस मशीन का नाम है, ओके। देन व्हाट फिजियोलॉजिकल चेंजेस यू विल सी, तो क्या फिजियोलॉजिकल बेटा चेंजेस आपको नजर आएंगे, चेंजेस विल बी सीन इन हर इन हिज ब्लड, राइट। उसके ब्लड में बेटा या उसकी बॉडी में क्या क्या आपको चेंजेस नजर आएंगे, तो बेटा सबसे पहला ऑप्शन आपको पता है क्या आता है, हाइपरकैल्सीमिया, क्या आता है बेटा हाइपरकैल्सीमिया। दूसरा ऑप्शन क्या आता है आपके पास, हाइपोकैल्सीमिया, समझ गए, हाइपोकैल्सीमिया। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन घूम के आता है, हाइपोकैल्सीमिया एंड एंड मोर आरबीसी, राइट। तीसरा ऑप्शन आता है बेटा आपके पास हाइपोकैल्सीमिया एंड लेस आरबीसी, और थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन बेटा आपके पास आता है हाई नाइट्रोजन वेस्टेज इन ब्लड। ऐसे क्वेश्चन घूम के आता है और आप कभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हेलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बेटा, सबको प्यार भरा गुड इवनिंग, ध्यान दे रहे हैं बेटा क्वेश्चन पर, जवाब दीजिए, चलिए आप जवाब दीजिए जल्दी से। हाँ जी, किडनी दे दो मुझे, किडनी, हाँ देंगे, किडनी देंगे आपको अभी बेटा, जोरदार सेशन के लिए लाइक ठोक के इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। यस, ऑल माय लवली फ्यूचर डॉक्टर, सैया, सौम्या, मुनीरा, चिंकी, यश, अंजलि, जुबिया, टेक्निकल गुरु ऋषभ, तान्या, ध्यान दीजिए बेटा क्वेश्चन नीट में आता है, दोनों ऑप्शन है आपके पास, हाई नाइट्रोजन वेस्ट भी है ब्लड के अंदर, हाइपोकैल्सीमिया लेस आरबीसी, हाइपोकैल्सीमिया मोर आरबीसी और हाइपर कैल्सीमिया, ये सारे ऑप्शन है बेटा आपके पास। यस सुधीर, ध्यान दो, सर मेरा पोस्टमार्टम कर दो, नारायण तुम्हारा पोस्टमार्टम क्यों करें हम। हेलो हीना, कमलेश, तेजल, अपुन बेटा आपसे आपका वन शॉट चलेगा, वन शॉट, जब तक आपका नीट 2021 नहीं हो जाएगा एक चैप्टर पकड़ेंगे, वन शॉट खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए जी, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया होगा बेटा हाइपर कैल्शियम नहीं होता, मैंने क्या बोला, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जीआईटी से ब्लड में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, हाइपर कैल्शियमिया रॉन्ग हो गया, हाइपोकैल्सीमिया लेकिन मोर आरबीसी लिखा हुआ है, तो ये आंसर भी हो गया रॉन्ग, हाइपोकैल्सीमिया और आरबीसी भी क्या मिलेगा बेटा, कम मिलेगा, आंसर है बेटा आपका थर्ड, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, बात समझ आ गया बेटा, बहुत बढ़िया किड, वेरी क्लियर, चल लीजिए गुन्नू, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, सही जवाब दिया आपने, वेरी गुड। अब आ जाइए आपके एनसीईआरटी पर, चलिए जी, तो आपकी एनसीईआरटी का सबसे जो इंपॉर्टेंट, जो आपकी नीट के अंदर जो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला बेटा जो आपका क्वेश्चन बनता है, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिक एसिड, इसका एक बड़ा ही क्लासिकल क्वेश्चन बनता है, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। जी हाँ बच्चों, यहाँ आपसे पूछता है बेटा कि फोर एक्सक्रीशन रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट एंड ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी इज करेक्ट, कौन सा बेटा ऑर्डर करेक्ट होता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, आगे ऑप्शन में होता है बेटा अमोनिया, ठीक है, यूरिक एसिड, और नेक्स्ट ऑप्शन में होता है बेटा आपका यूरिया, ओके, और सी ऑप्शन में आता है बेटा आपका बोथ आर करेक्ट और डी ऑप्शन में आपको आ जाता है यूरिक एसिड, देन यूरिया और देन अमोनिया। ये भी बेटा नीट का अगला क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी से बनता है। जी हाँ दोस्तों, वेरी गुड सौम्य चौरसिया, सही जवाब, जो सही जवाब देंगे नाम लूंगा मैं आपका, अभी तक एक चौरसिया ने दिया है, सौम्य चौरसिया ने दिया है, अस्पाक ने दिया है, और बताइए। हाँ जी सुधीर, कुछ बोलिए आप, गुन्नू बोलिए, मुजमिल, वेरी गुड, SGST, वेरी गुड, गुन्नू, कमलेश सही जवाब दीजिए आप, रागनी सही जवाब दीजिए,
सही जवाब देना है बेटा बच्चा, वेरी गुड। गुन्नू वेरी गुड। चलिए तान्या बहुत बढ़िया, सबने सही जवाब दिया है। सोमय तान्या नेचर लवर, गुन्नू दीपांजलि वेरी गुड। बेटा अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होती है, दैट्स व्हाई उसके लिए मोर ऑक्सीजन मोर वाटर की जरूरत पड़ती है। तो जो ऐसे एनिमल, अब मैं आपको हमेशा लॉजिक बता देता हूँ, यदि आपको लॉजिक याद रखना है तो ऐसे कौन कौन से एनिमल हैं जो कि अमोनोटैलिक होते हैं, तो दिमाग नहीं लगाना। क्या नहीं लगाना? दिमाग नहीं लगाना। कैसे? जो कि वाटरी एनिमल है। कैसे बेटा? जो वाटरी एनिमल है। क्या है? वाटरी एनिमल। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉग की, और इधर बेटा मैं बात करने लग गया किसकी? टैडपोल की। तो याद रखें टैडपोल किसमें रहता है? वाटर में रहता है। किसमें रहता है बेटा? लार्वा है। किसमें रहेगा? वाटर में। तो आंसर क्या आएगा? अमोनोटैलिक आएगा। बात आया समझ में? यस, ये लॉजिक आपको याद रखना होगा। चलिए जी अब आपकी एनसीईआरटी पे आ जाइए लाइन टू लाइन। तो बेटा अमोनोटैलिक का अमोनिया निकालता है सब लोग जानते ही हैं, और अमोनिया कैसे निकलता है? डिफ्यूजन से निकलता है। और डिफ्यूजन के लिए बेटा क्या होते हैं? गिल होती हैं। गिल आप जानते ही हैं, फिश के अंदर गिल होती है, बिल्कुल होती है। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन मैं आपसे देखना पड़ेगा बेटा। वाई लेस आरबीसी एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कि बताइए अमोनिया किस फॉर्म में निकाला जाता है? NH3 फॉर्म में, NH4 फॉर्म में, या NH4 प्लस फॉर्म में? तो आप बोलेंगे सर अमोनियम फॉर्म में निकाला जाता है, NH4 प्लस फॉर्म में निकाला जाता है। बात आया समझ में? उनमें किडनी का सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। जैसे ही बेटा किस पे आ जाते हैं? वो टेरिस्टल जमीन पे आने लग जाते हैं, तो उनको पानी बचाना पड़ता है, पानी का कंजर्वेशन करना पड़ता है। दैट्स व्हाई वो यूरिया और यूरिक एसिड निकालना बच्चों शुरू कर देते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान रखिए, दो क्वेश्चन है जो बच्चे गलत करते हैं, दो बड़े क्वेश्चन है, इधर ध्यान दो। एक मैं तुमसे खतरनाक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, बहुत खतरनाक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यदि आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे तो मैं आपको नीट 2021 में एक MBBS की सीट दिलवा दूंगा, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप सुनिएगा। मेजर स्टूडेंट क्या करेगा? गलत करेगा। पहला, ऑल वाटरी, ध्यान दीजिएगा, ऑल वाटरी एनिमल्स आर अमोनोटैलिक, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो कार्टिलेजनस फिशेस आर अमोनोटैलिक, ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा आपका क्या? फ्रॉग एंड, बात को समझिएगा, फ्रॉग एंड बोनी फिशेस एक्सक्रीट क्या? यूरिक एसिड। और डी ऑप्शन है बेटा आपका, फोर ऑप्शन है, नोटा, यानी कि नन ऑफ द एबव। बताइए, चलिए, नन ऑफ द एबव, हाँ मेरी डिग्री तुम्हारे नाम कर दूंगा, और बताओ, है ना। चलिए बताइए आप, अब जवाब दीजिए, क्वेश्चन को आप देखते रह जाएंगे और आपका दिमाग घूमेगा इस क्वेश्चन को सुन करके। हाँ जी बच्चे, जितने प्यारे बच्चे हैं बेटा जोरदार सेशन को लाइक करके बताएं, जोरदार अटेंडेंस लगाएं बेटा अपनी। जिन बच्चों को नहीं पता है, डेली 10 से 12 डेली आपका वन शॉट होता है बेटा, वन शॉट पढ़ाया जाता है बिल्कुल डेली आपकी नीट 2021 के लिए, एक चैप्टर को एक दिन में खत्म कराया जाता है। बस उम्मीद है कि आप लगातार क्लास में रहेंगे। कुछ ही बच्चों ने बेटा इसका सही जवाब दिया है, जी हाँ दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ कुछ ही बच्चों ने बेटा इसका सही जवाब दिया है। जिन बच्चों को नहीं पता, इसका करेक्ट आंसर है बेटा नोटा। किसी कोई भी इसमें आंसर करेक्ट नहीं है। सारे वाटरी एनिमल अमोनोटैलिक नहीं होते बेटा। कार्टिलेजिनस जो फिश होती है वो तो पानी में रहती है, लेकिन निकालती क्या है? यूरिया, अमोनिया नहीं निकालती। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। फ्रॉग तो निकालेगा, लेकिन बोनी फिश जो है बेटा वो यूरिक एसिड नहीं निकालेगी। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा? नोटा। डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ क्यों डर गए? बहुत बढ़िया बात बेटा। हीना, अनूप, अंजलि, अंजलि चौहान, जुबिया, गुन्नू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जुबिया, इकरम, एके दीक्षित, गुन्नू, बच्चा, सब ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। चलिए अब आगे आ जाइए, ऐसे ही क्वेश्चन बेटा नीट से घूमता है चिंकी, नीट से ऐसे ही क्वेश्चन घुमाया जाता है, राइट। चलिए जी
अब मैं आपसे आगे भी क्वेश्चन पूछूंगा और आपकी एनसीईआरटी से ही पूछूंगा, मैं एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन पूछता भी नहीं, क्योंकि मैं एनसीईआरटी से बाहर पूछने लग गया तो तुम लोग डर जाओगे। तो बच्चों ये याद रख लेना, यहाँ बेटा जो मैराइन फिश लिखा हुआ है ना, मैराइन फिश, तो याद रखना यहाँ जो मैराइन फिश की बात हो रही है, जो कि यूरिया निकाल रही है, तो यहाँ बेटा किसकी बात हो रही है, यू शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ यूरिया निकाल रही है मतलब कार्टिलेजिनस फिश की बात हो रही है, ये आपको अंडरलाइन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों मैं आपको ध्यान दूंगा, समझिएगा मेरी बात को। अगला क्वेश्चन आपको क्या समझना है बेटा, वेरी गुड, अगला क्वेश्चन है आपका कि रेप्टाइल है, बर्ड्स है और स्नेल्स है, ये तो बेटा क्या है आपके, नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल, क्या निकाल रहे हैं, यूरिक एसिड निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, यूरिक एसिड। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा मैं आपसे अगला क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, स्नेल आपके क्या निकाल रहे हैं बेटा, नाइट्रोजन वेस्ट में यूरिक एसिड निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा आपकी इस थ्योरी से क्वेश्चन बना रहे हैं पर, ऐसे मोलस्का जो कैसे मोलस्का है बेटा, वो एक्वाटिक मोलस्का है, कैसे है, एक्वाटिक मोलस्का, एक्वाटिक मोलस्का, ओके, एक्वाटिक मोलस्का रिलीज, मोलस्का किसमें आता है बेटा, आप समझ गए, राइट। चलिए पहला ऑप्शन आपके पास आ गया बेटा अमोनिया यानी कि NH4+, दूसरा ऑप्शन आ गया बेटा आपके पास यूरिक एसिड आ गया, ठीक है, चौथा ऑप्शन आ गया आपके पास यूरिया आ गया, ठीक है, और डी ऑप्शन आ गया आपके पास ऑल ऑफ दी। अब बता दीजिए अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, अब ध्यान दीजिएगा आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, आपकी एनसीईआरटी कहती है स्नेल, स्नेल किसमें आता है, मोलस्का के अंदर आता है, स्नेल क्या निकालता है, आपकी एनसीईआरटी खुद कहती है बेटा स्नेल क्या निकालता है, देखो यहाँ पर स्नेल क्या निकालता है, यूरिक एसिड निकालता है, क्या निकालता है, यूरिक एसिड यानी कि यूरिकोटैलिक है। अब बताइए आप क्या जवाब देंगे, जी हाँ दोस्तों मैं आपका जवाब चाहना चाहूंगा, थैंक यू नेहांसी, थैंक यू फॉर विशेष, थैंक यू ऑल ऑफ यू, यस बेटा तो आपने गलत जवाब दे दिया है, तालियां आपके लिए, सबने गलत जवाब दिया है, नालायक को मैंने क्या बोला यहाँ पर, एक्वाटिक, क्या बोला मैंने, एक्वाटिक, एक्वाटिक मोलस्का जो होगा पानी में पाया जाएगा, अमोनिया निकालेगा, यूरिक एसिड आंसर कब जाएगा, जब बेटा लैंड वाला जो जमीन पर मिलेगा, टेरेस्ट्रियल, जी हाँ बच्चों टेरेस्ट्रियल जो स्नेल होता है या मोलस्का होते हैं वो निकालते हैं बेटा, वो निकालते हैं आपके क्या, यूरिक एसिड, एक्वाटिक वाले नहीं। तो आंसर है आपका फर्स्ट, आप गलत कर बैठे, आपने एनसीईआरटी की लाइन को ध्यान से नहीं पढ़ा, ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, लैंड स्नेल, क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लैंड स्नेल लिखा हुआ है, जिस पर आप कभी ध्यान नहीं देते। तो आंसर क्या आएगा बेटा, सुधीर बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, अनिकेत ने भी सही जवाब दिया, आंसर आएगा आपका ए यानी कि अमोनिया, ठीक है, चलो वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी अब आप आ जाइए आगे, बहुत बढ़िया बेटा, छोटी छोटी लाइनें होती है एनसीईआरटी की जिनको हम मेजर मिस्टेक करके गलत करके आ जाते हैं, चलिए अच्छी बात है, आगे चलिए बेटा कि ध्यान रखो इन वर्टिब्रा जो होते हैं उनमें तो ट्यूबुलर फॉर्म मिलती है लेकिन सिंपल फॉर्म मिलती है, ट्यूब्यूल तो मिलेंगे बेटा, ट्यूब्यूल तो मैं आपसे कहूं, बताइए ट्यूब्यूल्स किसके अंदर मिलती हैं, इनवर्टिब्रा, वर्टिब्रा या ऑल, तो सबके अंदर ट्यूब्यूल मिलेंगे, चाहे इनवर्टिब्रा हो चाहे वर्टिब्रा हो, लेकिन जो वर्टिब्रा जो होता है उसमें कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन लाइक किडनी देखने को मिल जाता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे अगले क्वेश्चन नीट में पूछ लेता है, ये आप सबका फेमस है कि प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल किसके अंदर मिलती है, आप सब लोग जानते हैं प्लेटी अनवंतीज के अंदर मिलती है, फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया, ये बेटा नीट का वेरी इजी क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, यहां तक तो सारे बच्चे कर देते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है बच्चों को कि वो प्लेनेरिया तो याद रखता है लेकिन वो जीवन में किसको याद नहीं रखता बच्चों, वो याद नहीं रखता बेटा रोटीफर, रोटीफर उसे याद नहीं रहता, उसे एनिलिडा याद नहीं रहता, और उसे सेफेलोकॉर्डेटा यानी कि एम्फोएक्सस जिसे लैसलेट भी कहते हैं, एम्फोएक्सस लैसलेट, वो उसे याद नहीं रहता। तो याद रखना ना सिर्फ प्लेटी एलमेंटीज के अंदर ही फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया पाई जाती है, आप रोटीफर भी याद रखोगे, आप एनिलिडा भी याद रखोगे, और आप याद रखोगे बेटा वेरी गुड, आप सेफेलोकॉर्डेटा यानी कि एम्फोएक्सस भी आप याद रखोगे, याद रखोगे। यदि आपको नहीं याद रहता तो आप ऐसे याद रख लीजिए P4 प्रोटोनेफ्रिडिया और P4 बेटा क्या रख दीजिए आप पार याद रख लीजिए, क्या याद रख लीजिए पार, पार पार मतलब P4 प्लेटी एलिमेंटीज, A4 एनिलिडा, अगला E4 एम्फियोक्सिस, R4 रोटीफर, ये आपको बेटा प्रॉपरली याद हो जाना चाहिए, ये नीट का क्वेश्चन है, मैं आपको जहां पेन चला रहा हूं और जहां मैं बोल रहा हूं, मैंने तुम्हारे जीवन काल में जब तुम स्टूडेंट थे, जब तुम स्टूडेंट हैं और जब मैं जब नीट का स्टूडेंट था तो बेटा मैंने दो बार नीट क्रैक किया, कितनी बार, दो बार नीट क्रैक किया गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS किया, तो बेटा ऐसे नहीं किया, मेरा एक्सपीरियंस रहा है जीवन का, जहां जहां मैं आपको पेन चला रहा हूं याद रखिएगा
कि सर ने जहां पेन चलाया नीट में क्वेश्चन आएगा, बस ये याद रखें आप, सर ने पेन चलाया तो नीट में क्वेश्चन आएगा या आ चुका होगा, ये जिम्मेदारी है आपकी, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए प्यारे किड, जितने प्यारे बच्चे आ चुके हैं बेटा जिन्होंने अभी अटेंडेंस नहीं लगाई है, अटेंडेंस लाइक ठोक के बताएं जवा के। हाँ जी सुधीर जी, चलिए ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन तो सब करती है, नेफ्रिडिया प्रोटोन नेफ्रिडिया सब, मतलब प्रोटोन नेफ्रिडिया हुआ चाहे नेफ्रिडिया हुआ ये करती है, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ बच्चा, अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एनिलिडा हैव विच एक्सक्रीटरी अस्फा, अब कोरिलेट करें बेटा आपका क्वेश्चन, विच एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है जी। पहला ऑप्शन है बेटा नेफ्रिडिया, दूसरा ऑप्शन प्रोटोनेफ्रिडिया, तीसरा ऑप्शन किडनी लाइक ह्यूमन, और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। चलिए जी, नेफ्रिडिया ओनली और प्रोटोनेफ्रिडिया ओनली, चलिए अब मैंने आपको बोथ भी दिया, चलिए जी जवाब दीजिए। हाँ जी बच्चों, यस लूसीफर कमलेश, ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बेटा किसी फ्लूड का पीएच मेंटेन करके रखना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करके रखना, उसमें आयनिक बैलेंस मेंटेन करके रखना, ये होता है बेटा। सुधीर बहुत बढ़िया, कमलेश वेरी गुड, सौम्या इन सब का बच्चों से जवाब आया अभी तक, अंजलि का भी सही, अंजलि कुमारी बिल्कुल सही, कुछ बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, नालायक कहेंगे कुछ गलती कर रहे हैं। सुधीर वेरी गुड बेटा, वेरी गुड मजूमदार, ये आपका सही जवाब, मजूमदार ने गलत जवाब दिया, ये है बेटा इसका सही जवाब, बोथ ए एंड बी। जी हाँ दोस्तों, आप एनसीईआरटी की लाइन को पढ़िएगा ध्यान से, सम एनिलिडा, कुछ एनिलिडा में क्या होता है नेफ्रिडिया, कुछ एनिलिडा में क्या होता है प्रोटोनेफ्रिडिया, बात समझ आ गया, तो आंसर डी जाएगा, आंसर ए नहीं जाएगा, रटना नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन पे ध्यान दीजिएगा, नेफ्रिडिया। तो कुछ एनिलिडा में क्या मिलेगा आपको, नेफ्रिडिया मिलेगा, जब कुछ एनिलिडा में क्या मिलेगा प्लेटी एलेवेंथ मिलेगा, बताइए, आपकी एनसीईआरटी से ही बनाया हुआ क्वेश्चन है। सुधीर सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन आप क्वेश्चन में ध्यान लगाइए बच्चों, मजा आया, ऐसे क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं बचपन से, यही गलत नहीं करना है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अब आगे चलिए बेटा, ध्यान लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गया, आगे चलिए अर्थवाम में आपको देखने को मिल जाएगा। अब आगे चलिए, आगे और क्या क्वेश्चन है बेटा, आगे आपको दे रखी है मेलपिगियन ट्यूब्यूल, तो मेलपिगियन ट्यूब्यूल तो बच्चों आपने कॉकरोच में बहुत देखी होंगी, इंसेक्ट के अंदर बच्चों एक मिलती है क्या, मेलपिगियन ट्यूब्यूल मिलती है, और वही सेम काम है नाइट्रोजन वेस्ट को हटाना, ऑस्मो रेगुलेशन करना। नेक्स्ट है बेटा आपका क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन, अब मुझे एक बात और बता दीजिए आप, मैं एक बात आपसे पूछ लूंगा, बताइए बेटा प्रॉन किसके अंदर आते हैं, एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड एंड ग्रैंड जो प्रॉन्स के अंदर मिलती है, तो कोई बच्चा मुझे बताएगा ये जो क्रस्टेशियन लाइक जो प्रॉन्स होते हैं ये किसके अंदर आते हैं, ये ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं या ये मोलस्का के अंदर आते हैं, जल्दी से बताइए आप, जल्दी से बताइए, फिर आप ह्यूमन का सिस्टम शुरू कर देंगे बेटा, फिर अपन ह्यूमन की बात शुरू कर देंगे, ध्यानी रेशा गुन्नो, हाँ जी प्रॉन्स जो होते हैं बेटा, मैंने बोला प्रॉन्स, तो प्रॉन्स ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं, मोलस्का के अंदर आते हैं, मोलस्का के अंदर नहीं आते बेटा, ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं, मोलस्का के अंदर स्नेल आते हैं, प्रॉन्स नहीं आते, कंफ्यूज नहीं होना दोनों में, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिएगा कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो बच्चों मैं सबसे पहले आपको बात कहना चाहूंगा कि हमारी जो किडनी होती है, किडनी उस किडनी में बेटा आगे की तरफ एक लेयर होती है, आगे की तरफ पीछे की तरफ नहीं होती, जैसे आप पीछे से कोई आपको घूंसा मारता है कहां कमर में, तो कोई आपके कमर में से कोई घूंसा मारता है तो आप कहते हो यार बहुत जोर से दर्द हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपकी जो किडनी है वो पीछे से बेटा है, उधर फेसिया है, मसल है, स्किन है, लेकिन किडनी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है पीछे की तरफ नहीं पाई जाती, उसे कहते हैं पेरिटोनियम, तो किडनी में बेटा किडनी को एक नाम दिया जाता है क्या, रेट्रो पेरिटोनियम, बाय चांस कभी किसी ऑप्शन में नीट में डाल दे आपको, और ऑप्शन में डाल दे और आप रोने लग जाए कहीं अरे यार ये कहां से आ गया, तो मैं आपको रोने नहीं दूंगा, मैं आपको जवाब दिलवाऊंगा, रेट्रो पेरिटोनियल, रेट्रो पेरिटोनियल का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सपोज फ्रॉम बिहाइंड, पोस्टीरियर साइड से बेटा, पीछे की साइड से किडनी एक्सपोज रहती है, किडनी भी रहती है और इसके ऊपर पाए जाने वाले एड्रिनल ग्लैंड वो भी रहती है, ड्यूडेनम का कुछ हिस्सा भी रहता है और आपका जो अरोटा होता है वो भी होता है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, इतना ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन मैं थोड़ी इस किडनी के बारे में बात आपको बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पूछेगा, रेडिश ब्राउन होती है, बिला बिला बिला, ये सब आपसे नहीं पूछता,
अगला जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए जी, अब मैं आपसे पूछूंगा बेटा किडनी की पोजीशन, किडनी की पोजीशन आप बताइए, ठीक है? राइट, ट्रू अबाउट एनाटॉमिकल पोजीशन, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, ट्रू अबाउट एनाटॉमिकल पोजीशन, ये एनाटॉमिकल शब्द आप फर्स्ट एमबीबीएस में पढ़ेंगे, एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ किडनी, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, एनाटॉमिकल ऑफ किडनी, पहला ऑप्शन समझिएगा कि T10-2 L4, दूसरा ऑप्शन T12-2 L3, तीसरा ऑप्शन T12-2 L6 और चौथा ऑप्शन L12 L6। बताइए सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, रेट्रोपेरिटोनियल किडनी को एब्डोमेन वॉल से अटैच करके रखने में हेल्प करता है ना बेटा। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब होता है कि रेट्रो मतलब जहां पर है ही नहीं, पेरिटोनियम ही नहीं है, तो बेटा रेट्रोपेरिटोनियल में पेरिटोनियम होता ही नहीं है मेरे बच्चे, होता ही नहीं है। दैट्स व्हाई हम अप्रोच करते हैं, जब हम आपका स्टोन निकालने की कोशिश करते हैं तो हम आपको बिहाइंड से अप्रोच करते हैं, फ्रंट से नहीं करते, बैक से अप्रोच किया जाता है आपकी सर्जिकल। ओके चलिए जी, अरे सुधीर क्या नालायक बतनी कर रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ बेटा बहुत बढ़िया जवाब दिया है आपने, T2-2 L3 होता है, वेरी गुड। और एक बात तो आप जानते ही हैं क्या, इधर आपकी राइट किडनी है और इधर बेटा आपकी लेफ्ट किडनी है, तो आप सब लोग जानते हैं कि राइट किडनी जो होती है थोड़ी सी नीचे रहती है, उसका लोअर लेवल होता है, और लेफ्ट जो किडनी होती है बेटा थोड़ी सी ऊपर होती है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह कौन है, इसकी वजह है बेटा लीवर, कौन है इसकी वजह, लीवर। लीवर राइट साइड में होता है, तो लीवर आपका यहां तक लीवर आ रहा है, ये लीवर की बाउंड्रीज है, जब यहां तक जब लीवर आएगा तो बेटा किडनी को थोड़ा नीचे से पटाना पड़ेगा, तो लीवर की वजह से राइट किडनी नीचे होती है और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है रेस्पेक्टिवली, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलिए बेटा, आपकी एनसीईआरटी लाने पढ़ाएंगे, कोई बाहर से नहीं पढ़ाएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट आपसे डायमीटर पूछने के नेग्लिजिबल चांसेस 0%, डायमीटर कोई आपसे नहीं पूछता, वेट पूछ सकता है, कभी मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया और आपसे बोले बताइए एवरेज वेट क्या है, तो भैया 120-170 ग्राम एवरेज वेट पूछा जा सकता है, बाय चांस मैं आपसे हमेशा नहीं कहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हाइलम, सर हाइलम क्या शब्द है, मुझे कभी नहीं समझ आया कि हाइलम का रियल मतलब क्या होता है, समझिए मेरी बात को, अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, हाइलम क्या है, एंट्री गेट है, आप ऐसे याद रखिए, हाइलम क्या है बच्चों, एंट्री है बेटा, क्या है वो, एंट्री गेट है, किसके लिए एंट्री गेट है सर, समझिए कि बेटा इसमें यूरेटर हुआ, ब्लड वेसल्स हुआ, नर्व, ये सब बच्चे हाइलम की थ्रू ही, ये हाइलम है, ये सब हाइलम के थ्रू क्या लेते हैं, एंट्री लेते हैं किडनी के अंदर, राइट। तो ये भी आपका नीट का क्वेश्चन है, यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व एंट्री लेते हैं, किसके थ्रू लेते हैं, हाइलम के थ्रू लेते हैं, बात आया समझ में, हाइलम आपको कुछ इस तरीके से नजर आता है, इस तरीके हाइलम होता है, यदि किडनी आप बता रहे हैं तो दिस इज हाइलम पार्ट, ऑल राइट। चलिए जी, अब बेटा जब अपन हाइलम के पास जाएंगे, तो जब हाइलम का जब आप अंदर जाएंगे तो आपको एक बहुत बड़ा स्पेस नजर आएगा, उसे कहते हैं बेटा पेल्विस, पेल्विस क्या है, स्पेस होता है, क्या होता है, स्पेस। ओके, और पेल्विस के अंदर आपको क्या मिलेगा बेटा, कैलिक्स मिलेगा, ये ऑर्डर आपको याद रखना है, पेल्विस के अंदर क्या मिलता है, कैलिक्स मिलता है, कैसे सर समझ नहीं आया, अभी समझाता हूं मैं आपको, आपकी एनसीईआरटी के डायग्राम से समझाता हूं प्यारे बच्चों, बिल्कुल वन शॉट के लिए तैयार रहे बेटा, डेली वन शॉट आपका 10 बजे शुरू हो जाता है, 10:05 पर आ जाता हूं मैं, आप सुनिए मेरी बात, ये आपको एक ऑर्डर और बच्चे याद नहीं रखते हैं, एक ऑर्डर आप बिल्कुल याद रखें, बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना है, क्या ऑर्डर याद रखना है बेटा, ये कैलिक्स है ना, ऐसे माइनर कैलिक्स होते हैं पर आपके इधर ये मेजर कैलिक्स है, ये माइनर है और ये मेजर है, दो कैलिक्स होते हैं बेटा, एक माइनर कैलिक्स होता है और एक आपका मेजर कैलिक्स होता है, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है वो क्या, यूरिन का पाथवे क्या है, क्या पूछता है कि यूरिन का पाथवे क्या है, तो बेटा यूरिन का पाथवे याद रखना, गलत नहीं करना है, ठीक है, मेडुलरी पिरामिड। अब मेडुलरी पिरामिड में यूरिन बना, सुनिएगा मेरी बात को, और यूरिन बेटा किसमें आ गया, ध्यान समझिएगा, माइनर कैलिक्स में आ गया, और बेटा माइनर कैलिक्स से यूरिन कहां चला गया, मेजर कैलिक्स में चला गया, और बेटा मेजर कैलिक्स से यूरिन कहां चला गया आपका, पेल्विस में चला गया, रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस से कहां चला गया बेटा, तब जाके यूरेटर के पास गया, तो ये भी नीट का क्वेश्चन है, एक ऑर्डर जो बच्चे गलत कर देते हैं, बात समझ आ गया बेटा, ये ऑर्डर मैंने आपकी एनसीईआरटी के डायग्राम से बताया है, यही बात बताइए आपको, राइट, समझ आ गया बेटा, क्या समझे, मेडुलरी पिरामिड से यूरिन निकला, कहां चला गया, माइनर कैलिक्स में, माइनर से मेजर में, और मेजर से, बहुत सही बात, समझ आ गया बेटा,
मेजर से पेल्विस और पेल्विस से यूरेटर में। एनसीईआरटी याद रखो, एनसीईआरटी के लेवल का याद रखो, बाहर की चीजें जरूरत होगी मैं अपने आप बता दूंगा आपको। ओके चलिए जी, थैंक यू, आगे चलो बेटा नेक्स्ट। ऑल राइट चलिए अब आगे समझिए आप बात को, एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़िए। एनसीईआरटी में से डिफरेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। किडनी है बेटा, तो ऑब्वियसली किडनी जो होती है, किडनी एक ऑब्वियसली किडनी के ऊपर एक कैप्सूल होता है प्रॉपरली जो किडनी को बचा रख ले। डेफिनेटली उसकी फेस भी वहां पर क्या बोलते हैं, फेसिया भी वहां होता है, फैट का लेयर भी वहां पर होता है। दो जोन होते हैं उसके, आउटर जोन कॉर्टेक्स एंड मेडुला, अंदर वाला जोन आप अच्छे से जानते हैं। तो बेटा मेडुलरी के अंदर क्या होता है, कॉनिकल प्रोसेस मेडुलरी पिरामिड पाए जाते हैं। लेकिन पिरामिड खुद किसकी तरफ खुलता है, कैलिक्स की तरफ खुलता है। ये पिरामिड है तो खुलेगा कहां, कैलिक्स में। तो ये याद रखना है, पिरामिड जो होता है प्रोजेक्ट करता है किसको, कैलिक्स की तरफ खुलता है। और जो कैलिक्स जो होता है, इस बात को समझिएगा कि कैलिक्स इन बिटवीन द पिरामिड, याद रखना है ये बात। ये नीट का बेटा बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है जो हम सबसे ज्यादा गलत कर देते हैं। कैलिक्स बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड क्या कहलाता है, रीनल कॉलम कहलाता है। रीनल कॉलम कहां है सर, थोड़ा सा दिखा दीजिए। देखिए बेटा ये जो कैलिक्स का जो हिस्सा है जो कि यहां पर आपके नजर आ रहा है, दिस पार्ट जो आपके यहां नजर आ रहा है, दिस एरिया, ये है बेटा रीनल कॉलम, या इसे कॉलम ऑफ बर्टनी भी बोला जाता है। ये जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट, ये है बेटा कॉलम ऑफ बर्टनी। ये आपका मेजर कैलिक्स है, ये आपके माइनर कैलिक्स है, आपको देखने को नजर आ जाएंगे। बात समझ आ गई बेटा, चलिए अब आगे चलिए। अगला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्या पूछेगा, कॉलम ऑफ बर्टनी समझ आ गया, समझ आ गया। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है जो हम गलत कर देते हैं, मैं आपसे पूछूं बताइए कॉलम ऑफ बर्टनी क्या है, मेडुला है या कॉर्टेक्स है, किसका हिस्सा है। ये बच्चे क्या करते हैं बार बार गलत कर देते हैं। आप ध्यान से पढ़ेंगे एनसीईआरटी को तो आपको इसका जवाब भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। क्या जवाब मिला आपको, कॉर्टेक्स का हिस्सा है। किसका है बेटा, कॉर्टेक्स का हिस्सा है, समझ आ गया बात को। तो मेडुलरी पिरामिड जो होती है उनके बीच में कॉर्टेक्स का जो हिस्सा एक्सटेंड कर जाता है उसे कॉलम बर्टनी कहते हैं। तो कॉलम बर्टनी मेडुला पार्ट नहीं है, इट इज द कॉर्टिकल पार्ट। ये बच्चे करते हैं सिली मिस्टेक, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम सबको पता है कि किडनी के अंदर क्या होता है बेटा, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन जो होता है एक किडनी के अंदर 1 मिलियन माना जाता है, दो किडनी के अंदर 2 मिलियन है, यही उसकी फंक्शनल यूनिट है। ये तो हम लोग सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस यानी जो ब्लड वेसल्स का पार्ट होता है और दूसरा सर रीनल ट्रिब्यूल। ये हम सब लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। क्वेश्चन नीट में क्या आता है उस पर ध्यान लगाइए। ये देखो बेटा क्वेश्चन नीट में बना कैसे, क्वेश्चन नीट में कैसे बना, क्या आपने कभी सोचा? जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि एफरेंट आर्टरियोल है और ये बेटा एफरेंट आर्टरियोल है ना, ये एफरेंट है और ये एफरेंट है। बाद में यहाँ पर क्या हो गई, ये एक दूसरे के ऊपर लिपट गई है, पूरा इन्होंने टफ्ट बना लिया, गुच्छा बना लिया है, बना लिया राइट। तो जब इन्होंने गुच्छा बनाया, जब इन्होंने टफ्ट बनाया तो इसको अपने क्या बोल दिया, ग्लोमेरुलस बोल दिया। ये एफरेंट आर्टरियोल जो होता है इसका डायमीटर, इसका जो डायमीटर होता है बेटा वो होता है मोर डायमीटर होता है, जबकि एफरेंट आर्टरियोल का क्या होता है बेटा, लेस डायमीटर होता है। इसका कोई इंपॉर्टेंस तो रहा होगा सर, इसका कोई इंपॉर्टेंस है क्या, लेस और मोर डायमीटर का बेटा क्या इंपॉर्टेंस है, ध्यान लगाइए, लेस और मोर डायमीटर का क्या इंपॉर्टेंस है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताइए क्या इंपॉर्टेंस है बेटा इसका। अरे बोलते क्यों नहीं है, बोलो, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नहीं आ दिया। अरे बेटा जब कहीं फ्लूड रुकता है तो फ्लूड अपना क्या लगाता है, वजन लगाता है, उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे, हैं जी हाँ। तो बेटा इसका एक इंपॉर्टेंस है क्या, कि जब एफरेंट आर्टरियोल का जब डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टरियोल इज ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टरियोल, तो इससे बेटा हाइड्रो प्रेशर लगता है, तो इससे GFR में रोल होता है, ब्लड के फिल्ट्रेशन में रोल होता है। तो बेटा ब्लड फिल्ट्रेशन में अपना रोल प्ले करता है, समझ आ गया। ये वही प्रेशर है, ये अकेला प्रेशर है, आपको पता होना चाहिए, इट इज द ओनली प्रेशर जो ब्लड को फिल्ट्रेट करना चाहता है, बाकी को दोनों प्रेशर क्या करते हैं, अपोज करते हैं। कौन कौन से अपोज करते हैं, BCOP ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, क्या नाम है उस प्रोटीन का, एल्बुमिन या ग्लोबुलिन। तो आपको पता होना चाहिए कि एल्बुमिन प्रोटीन फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। तो आपके BCOP के अंदर जो बेटा एल्बुमिन पाई जाती है, जिसकी कमी से हमारी बॉडी में एडेमा आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, जो कि लीवर सिरोसिस के पेशेंट में ज्यादा देखा जाता है। जो पेशेंट लीवर सिरोसिस के पेशेंट होते हैं बेटा, उनमें एल्बुमिन की कमी हो जाती है, उनको बाहर से एल्बुमिन देते हैं, बाहर से एल्बुमिन देते हैं तभी थोड़ा नुकसान करता है, तो उसमें एडेमा आ जाती है एल्बुमिन की कमी से। तो बेटा ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एल्बुमिन राइट, एक तो ये इसको क्या कर रहा है बेटा, अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है राइट। तो बेटा एक ही प्रेशर है जो कि अफेरेंट और एफेरेंट के बीच का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, वही उसको नीचे लेके जा रहा है, अदरवाइज कोई नहीं है, समझ आ गया, दोनों अपोज कर रहे हैं।
अच्छा जी, अगर बेटा आपका बोमैन कैप्सूल, बोमैन कैप्सूल क्या होता है आप सुनिए मेरी बात को, बोमैन कैप्सूल और एक होता है बेटा रीनल कार्पसल्स, दोनों में अंतर है, दोनों पर ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चे इसको सिली मिस्टेक से गलत करने वाले पूछ रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं कि सर दोनों में क्या अंतर है। नालायकों, आपकी एनसीईआरटी साफ साफ चिल्ला चिल्ला के कहती है, क्या कहती है आपकी एनसीईआरटी कि आपका जो कप लाइक नजर आ रहा है दैट इज बोमैन कैप्सूल नो डाउट, और ये ग्लोमेरुलोस्ट्रक्ट है, दोनों को मिलाकर के क्या कहूंगा बेटा रीनल कार्पल्स कहूंगा या मेलपिगियन बॉडी कहूंगा। तो याद रखना मेलपिगियन बॉडी का मतलब सिर्फ बोमैन कैप्सूल नहीं होता है, सिर्फ बोमैन कैप्सूल बेटा नहीं होता है, बात आया समझ में। चलिए अब इससे अगला क्वेश्चन क्या बनता है आपका, बोमैन कैप्सूल से अगला नीट में क्वेश्चन क्या बनता है बेटा उस पर ध्यान लगाइए। जी हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि यहाँ पर बच्चों स्लिट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, क्या बन जाती है बेटा स्लिट लाइक स्ट्रक्चर। अब स्लिट लाइक स्ट्रक्चर कौन सी सेल बनाती है, पॉडोसाइट बनाती है, क्या बनाती है, कौन है बेटा ये पॉडोसाइट। अब जब इन पॉडोसाइट में क्या हो जाता है कि जो पोर है, जब बेटा जो पोर बहुत ज्यादा वाइडनिंग हो जाती है, कब, जब आपको होता है बेटा ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस। मेंडल किससे मरा था पता है किसी को, कॉज ऑफ डेथ ऑफ मेंडल, मेंडल की डेथ किससे हुई थी पता है क्या, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है नालायक, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हैं जी, मेंडल, मेंडल की डेथ कैसे हुई थी पता है आपको, नहीं पता है, नहीं पता, अरे नालायको मेंडल ऐसे तो मरा था, ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस हो गया था, ये जो पॉडोसाइट होती है, पॉडोसाइट जहां से फिल्ट्रेट होता है, तो इनके जो बीच के जो पोर होते हैं, पोर बीच के जो पोर है, पोर हो गए थे बेटा वाइल्ड, पोर क्या हो गए थे वाइल्ड हो गए थे, वाइल्ड तो वाइल्ड हो गए, उससे क्या हुआ सर, उससे बेटा क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको, सुनिए मेरी बात कि मेरी बात समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि जो ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन इस बात को याद रख लें आप, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डू नॉट फिल्ट्रेट राइट, या डू नॉट फिल्ट्रेशन जो निकल के आएगा डू नॉट हैव प्रोटीन। जी हाँ बच्चों, प्रोटीन नहीं रखता बेटा, वो प्रोटीन नहीं रखेगा, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं रखेगा, इस बात को समझ लें आप राइट। यदि आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज आ रहा है, तो मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है, अमीनो एसिड आ रहा है ये भी बहुत बड़ी बात है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि अमीनो एसिड और ये प्रोटीन कैसे, अमीनो एसिड और ग्लूकोज कैसे रीअब्जर्व हो जाते हैं, ठीक है। चलो आगे समझिए बेटा, चलिए आगे समझिए, समझिए बात को, समझिए प्यार से समझिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है बेटा मैकुला डेंसा। जी हाँ बच्चों, ये आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, जे जी अपेरेटस आपके एनसीईआरटी ने लिखा है लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जे जी अपेरेटस में बिगेस्ट कंफ्यूजन जो स्टूडेंट फेस करते हैं, क्या सर ये जे जी अपेरेटस बीमारी क्या है, हमें कभी जीवन में समझ में नहीं आया। देखो आपकी एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम क्या है बेटा, गलत है, ये डायग्राम क्या है गलत, इस डायग्राम को सही से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि डायग्राम में बेटा गलत है, एफरेंट आर्टेरियोल और ऐसे कर रखे जो कि गलत है, एग्जैक्टली अफेरेंट आर्टेरियल ऐसे मुड़ा रहता है, सच में ये डायग्राम पढ़ोगे तो एमबीबीएस में जाकर के तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से बेटा ये है आपका अफेरेंट आर्टेरियल और ये आपकी डीसीटी, तो डीसीटी और अफेरेंट आर्टेरियल का कनेक्शन होता है, तो जेजीए बेटा क्या है, जेजीए है कनेक्शन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, कनेक्शन ऑफ अफेरेंट आर्टेरियल, एफरेंट नहीं अफेरेंट, अफेरेंट आर्टेरियल एंड डीसीटी। जी हाँ बच्चों, इनका कनेक्शन होता है बेटा ये क्या, जेजी अपेरेटस, जहां पर डीसीटी के अंदर क्या मिलती है मैकुला डेंसा, और ये मैकुला डेंसा सेल जो होती हैं ये आगे आपको क्या निकालती है बेटा, एरिथ्रोपोएटिन निकालती है, यानी कि आपको जैसे बोलते हैं जेजीए, तो जेजीए क्या निकलता है एरिथ्रोपोएटिन निकालता है, तो बेटा ये एरिथ्रोपोएटिन निकालती है जो कि आरबीसी के फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है। तो बेटा आपके एनसीईआरटी का डायग्राम क्या है, गलत है, यदि आप मैं सही कहूं तो एनसीईआरटी का डायग्राम बिल्कुल गलत है, यदि जब आप एमबीबीएस में जाएंगे और फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो बेटा आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। वहां पर इस तरीके से दोनों अटैच रहती हैं और ये डायग्राम किस आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बना दिया गया है, इतनी सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, आप सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर हेनले का जो लूप होता है ये हेयर पिन जैसा, देखो हेयर की पिन, ये देखो आपकी हेयर पिन लाइक है, हम सब लोग जानते हैं सर, फिर वासा रेक्टा क्या बीमारी, हमें समझ नहीं आया ये हेयर पिन लूप सर आपका हेनले लूप है तो ये वासा रेक्टा आया कहां से, वासा रेक्टा है क्या बेटा, वासा रेक्टा है ब्लड वेसल, सर ये आया कहां से, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि वासा रेक्टा आया कहां से, बेटा वासा रेक्टा जो है एग्जैक्टली जो आपकी एफरेंट आर्टेरियल है, कौन सी आर्टेरियल है बेटा एफरेंट आर्टेरियल, और इधर कौन सी आपकी अफेरेंट आर्टेरियल, उन्हीं की बेटा उन्हीं की ब्लड कैपिलरीज है, उन्हीं की ब्लड वेसल्स है जो आपस में क्या बना लेती है, गुच्छा बना लेती है, आपस में जुड़ जाती है,
बात आया समझ में? ये बात आपको याद रखनी है, वहीं से वासर एक्टा आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन जिसपे आप डर जाओगे, बिल्कुल डरने वाले हैं आप, ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन नेफ्रॉन इज शेयर्ड बाय मोर देन विच स्ट्रक्चर ऑफ, नहीं नेफ्रॉन नहीं कहूंगा मैं, सीधा कहूंगा विच स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, विच स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इज शेयर्ड बाय मोर देन वन नेफ्रॉन, शेयर्ड बाय मोर देन वन नेफ्रॉन। पहला क्वेश्चन डीसीटी, दूसरा क्वेश्चन पीसीटी, तीसरा क्वेश्चन बोथ, चौथा क्वेश्चन सीटी, कलेक्टिंग डक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कलेक्टिंग डक्ट या ट्यूबुल जो भी आप कह रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सीटी की बात कर रहा हूँ। चलो बताइए, सही जवाब दे दीजिए आप मुझे, मैं आपके लिए ताली बजाऊंगा, जल्दी जवाब दीजिए, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, जल्दी से 10 सेकंड मिलते हैं आपको। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सारे बच्चे, कलेक्टिंग डक्ट सीड बाय मोर देन वन नेफ्रॉन। इसका क्या सबूत है सर? ये बात तो एनसीईआरटी के बाहर की है, हमारे पास क्या सबूत है? हम देंगे आपको सबूत, इधर देखिए, सबूत लीजिए आप एनसीईआरटी से, क्या सबूत ले रहे हैं? आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम सबूत दे रहा है आपको, देखो एक इधर जा रहा है मतलब किसी दूसरे नेफ्रॉन से जुड़ेगा, और एक ये रहा किसी दूसरे नेफ्रॉन से जुड़ेगा, तो एनसीईआरटी का खुद का डायग्राम ही सबूत दे देता है आपको, समझ आ गया? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अब आगे चलिए बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चलते रहिए और समझते रहिए बातों को। हेयर पिन के जैसा कौन होता है? हेनले लूप, बता चुका हूं, ठीक है, हेनले लूप के दो पार्ट होते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, यू नो वेरी वेल, ठीक है। अनदर असेंडिंग कंटिन्यू विद हाईली डीसीटी, और डीसीटी और मेनली नेफ्रॉन, ये सब फालतू की बात है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, कॉर्टेक्स और मेडुला से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान दीजिएगा कि जो पिरामिड होते हैं, अब ध्यान दीजिए इस बात को कि आपकी जो एनसीईआरटी आपसे कहती है कि नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और मेडुलरी नेफ्रॉन, राइट। कॉर्टिकल नेफ्रॉन हमारी बॉडी में ज्यादा पाए जाते हैं, मेडुलरी नेफ्रॉन हमारी बॉडी में कम पाए जाते हैं। जो मेडुलरी नेफ्रॉन होता है उसका मोस्टली पार्ट जो है किसका, हेनले लूप का, हेनले लूप का मोस्टली पार्ट किसमें पाया जाता है, मेडुला में पाया जाता है, वॉसर एक्टा बड़ा पाया जाता है, डेंस पाया जाता है मेडुलरी के अंदर, जबकि कॉर्टेक्स के अंदर ऐसा नहीं होता, कॉर्टेक्स अंदर आपको वॉसर एक्टा बहुत कम मिलेगा, और जो हेनले लूप है वो भी बेटा कॉर्टेक्स अंदर ज्यादा मिलेगा, मेडुला के अंदर कम मिलेगा। इसी बात को बच्चों यहाँ पर लिख रखा है, साफ साफ आप देख सकते हैं कि भाई हेनले लूप बहुत शॉर्ट है और वो कुछ पार्टी मेडुला का गया है, ऐसे नेफ्रॉन कॉर्टिकल कहलाते हैं, और बाकी जो डीप जाता है मेडुला तो वो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहलाते हैं, जस्टा मेडुलरी वाले, जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ये कम पाए जाते हैं, जैसे केमिकल सिनेप्स, जी हाँ दोस्तों, केमिकल सिनेप्स और कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये दोनों ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स यानी कि मेडुलरी नेफ्रॉन, ये दोनों हमारी बॉडी में कम पाए जाते हैं। पता है ना आपको ये वाली बात, ये दोनों नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, पता है ना आपको ये वाली बात, जल्दी से बताइए लाइक ठोक करके। अरे नाला को तुम्हारी एनर्जी क्या हो गया, एकदम एनर्जी में आई है, अरे आज तो हैप्पी टीचर्स डे है, टीचर फुल एनर्जी में है, और बच्चा जो है नालायक बोल रहा है, दबा के लाइक ठोक के बताइए, ये बात पता है कि नहीं पता आपको, पता है कि नहीं पता कि हमारी बॉडी में क्या, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन दोनों ही कम होते हैं बेटा, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन एंड इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बोथ आर, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बोथ आर लेस इन आवर बॉडी कंपेयर टू केमिकल सिनेप्स एंड कॉर्टिकली नेफ्रॉन, समझ आ गया है? समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने दो क्वेश्चनों को मिलाकर के एक जवाब आपको बना दिया। जितने प्यारे बच्चे हैं, जो बच्चे पहली बार क्लास में आए हैं और जिनको नहीं पता है बेटा, याद रखें डेली क्लास होती है आपकी 10 बजे, वन शॉट पढ़ाया जाता है, चैप्टर को पूरा उड़ा दिया जाता है विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ माय नीट पीजी लेवल, ओके। चलिए यहां पर जो गहन तपस्या जो मैंने करी है, जो मैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट पीजी, तो नीट पीजी के जो मैं मॉड्यूल पढ़ रहा हूँ, जो इतना डीपली पढ़ रहा हूँ, तो सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको सीखने को मिलेंगे। चलिए बेटा आगे समझिए, अगली बात
वेरी इंपॉर्टेंट बात है, क्या कि भाई ये बताओ, ये जो पेरिट्यूबुलर जो कैपिलरीज हैं, मतलब जो ट्यूबुल्स के ऊपर जो कैपिलरीज हैं जिनको तुम वासा रेक्टा कह रहे हो, एक बात बताइए, ये निकलती कहां से है, इमर्ज कहां से होती है? अब आपकी एनसीईआरटी साफ साफ कहती है, एनसीईआरटी की आपकी डायग्राम खुद कहता है यार अपने आप में, अब एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़िएगा। देखो इसी से ही बेटा आगे चल के देखो, ऐसे ब्रांच जा रही है, ये ब्रांच चली गई, ये ब्रांच चली गई, ये ब्रांच चली गई, ये चली गई, ये चली गई, तो बेटा मेनली रोल किसका है, डिफरेंट आर्टेरियोल का है, किसमें, वासा रेक्टा बनाने में। तो याद रखिए बेटा कि वासा रेक्टा जो है आपका कहां से आया, तो आप कहेंगे सर वासा रेक्टा एफरेंट आर्टेरियोल से ही आया, उसी की फाइन ब्रांच थी, उसी की कैपिलरीज थी सर। चलिए बहुत अच्छी बात, आपने सही जवाब दे दिया, और उसके पैरेलल रन करता है, यू सेफ होता है, राइट। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा। अब मैं आपको एक बात करना चाहूंगा, चलिए अगला मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन वासा रेक्टा, वासा रेक्टा इज, पहला ऑप्शन एब्सेंट, दूसरा ऑप्शन वेरी रिड्यूस, वेरी रिड्यूस, चौथा ऑप्शन ये ऑप्शन बोथ, और डी ऑप्शन है आपका हाईली डेवलप, हाईली डेवलप। चलिए भैया हाईली डेवलप जवाब दीजिए जल्दी से, अरे टाइम नहीं है ना लायकों, नीट पास में है, जल्दी से बताइए। सेंटर का पता चल चुका है क्या कुछ? हाँ जी अस्फाक गलत जवाब, कमलेश गलत जवाब, डैनियल गलत जवाब, मुबारक ऋषभ, किसी ने से जवाब नहीं दिया अभी तक, गलत, शिवम गलत, और गुन्नू सर आरूसी स्पैमर है, आरूसी स्पैम मत करो आप, गुंजन को दिक्कत हो रही है आपसे, गलत जवाब, गलत गलत गलत। शरीता ने सही जवाब दिया है, सरिता के लिए जोरदार तालियां, अभी तक किसी का सही जवाब नहीं आया, गलत, जुबिया का सही जवाब, और किसी का सही जवाब नहीं आया, नालायक है सारे के सारे। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा एब्सेंट हो सकता है, हो सकता है, वेरी रिड्यूस हो सकता है, हो सकता है, आंसर आएगा बोथ, सी इज द करेक्ट आंसर। अरे डी तो किसी कंडीशन में नहीं हो सकता, नालायक, डी तो हमेशा किसमें मिलेगा, मेडुलरी में मिलेगा, मेडुलरी में। मैंने कॉर्टिकल पूछा, आंसर एब्सेंट हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, बोथ तो बोथ आंसर आएगा, फिर आंसर सी जाएगा, क्या जाएगा आंसर सी, ध्यान से पढ़ा करो नालायक कहेंगे हैं, ध्यान से पढ़ा करो, मुर्गा बना दूंगा नहीं मैं ऑनलाइन। आरुषि अग्रवाल बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, चलिए स्पैम, अरे कोई स्पैम नहीं कर रहा, पढ़ने पे ध्यान दो। तो बेटा ये बात मैंने आपसे पूछी थी कि वासा रेक्टा एब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, यहां से बनाया मैंने क्वेश्चन, नालायक ध्यान से तो पढ़ते नहीं है, हैं? ऑनलाइन मुर्गा बना दिया जाएगा, डिजिटल मुर्गा, फिर घूमते फिरोगे अंडे देते हुए, नालायक कहेंगे। चलो अब ध्यान लगाओ आगे, चलिए, अरे चुप, पढ़ाई करो, किसी बच्चे को तंग मत करो, नालायक। सर रूपल गोयल पूछ रही है, हैव यू डन एमबीबीएस फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज? भाई साहब गजब बेइज्जती फील होती है मुझे, ऐसे मत पूछा करो बीच बीच में, बार बार मुझे मेरा ऐड करना अच्छा नहीं लगता है ना, टाइम की भारी कमी है, तुम्हें नहीं पता है, ये तो टाइम की कमी है, बीच मुझे मेरा बताना पड़ता है, मैंने कहाँ से एमबीबीएस किया, कहाँ पढ़ाया, एंड बिला बिला बिला। जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं बेटा, पहली बार क्लास में आए हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, जो मुझे नहीं जानते हैं, इससे पहले मैं कोटा के ऐसे डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ, जैसे रिसेंट में इस इंस्टीट्यूट को छोड़ के आया हूँ अनअकैडमी के पास, इनको नहीं पता है, ठीक है ना, नालायक हूँ। दो बार मैंने नीट क्रैक किया है मेरी जिंदगी में, 2011-12 मैंने ट्वेल्थ कर लिया था, जो बच्चे नहीं जानते हैं है ना, डॉक्टर एस के बॉस, डॉक्टर आनंदमन, इन सबका जूनियर हूँ मैं, नालायक कहेंगे, और उन्हें कहने में अकेडमी पर आया हूँ मैं, ठीक है, नालायक यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ध्यान नहीं दे रहे हैं, पिछले 5 सालों से नीट वालों को पढ़ा रहा हूँ 2014 से, ठीक है, अब बहुत हो गया एडवर्टाइजमेंट, आगे चलूँ, बेटा बेइज्जती लगता है यार, अब आगे चलूँ मैं, हाँ यार सर आपने 2 बार नीट क्यों दिया, अरे भाई पहली बार कॉलेज मेरी मर्जी के हिसाब से नहीं मिला, पहली बार भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, दूसरी बार भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, देखिए पहली बार मर्जी से नहीं मिलेगा दोबारा दूंगा ना, अब चलो आगे पढ़ाने दो बाबा। अरे अंजलि दिख रहा है आपका मैसेज, रो मत, दिख रहा है, ठीक है, अब चलो, 2 बार नीट क्रैक किया, मेरा मन कर रहा था क्रैक करने का, मैंने क्रैक कर लिया, मजा आया मुझे। चलिए भैया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा, भैया हैदर अब्बास सरकारी कॉलेज से किया है बेटा, सरकारी से, गवर्नमेंट से, ठीक, अब आगे चले,
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आगे चलो भैया पढ़ाने दो यार मित्रों, अरे मुझे पढ़ाने दो हो गया। रागनी जी आगे चलें क्या? चलिए भैया नेक्स्ट, यूरिन फॉर्मेशन। मोस्टली बच्चा यूरिन फॉर्मेशन को नहीं समझ पाता है। जी हाँ दोस्तों समझिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो आप गलत कर देते हैं बचपन से, जी हाँ आज से नहीं, आप इस क्वेश्चन को बचपन से गलत करते आ रहे हैं। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आप सबने अभी तक पूरा पढ़ लिया है, 2021 देने जा रहे हो तो मैं मान के चलूंगा कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। जी हाँ चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन पर आप ध्यान लगाइएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। पहला बेटा, पहला है आपका क्या, पहला ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है बेटा सिक्रेशन, राइट। उसके बाद मैंने आपको दिया है रीअब्जॉर्प्शन, और उसके बाद में मैंने आपको दिया है फिल्ट्रेशन, ठीक है फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन फिल्ट्रेशन, सिक्रेशन, देन रीअब्जॉर्प्शन। अगला मैंने आपको ऑप्शन दिया है फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और देन सीक्रेशन, ओके। और डी ऑप्शन मैंने आपको दिया है फोर, मतलब ऑल ऑफ दीज, सारी बातें सही हैं। चलिए जी जवाब दीजिए, हिना अली लास्ट पीरियड नहीं कहते बेटा उसको ना, पीरियड क्लास में स्कूल में कहते हैं, लेक्चर बोला करो, क्या बोला करो लेक्चर। लास्ट लेक्चर मिला था स्कूल में टीचर डे सेलिब्रेशन के लिए, आप 10 मिनट ही दे दो टीचर्स डे। बेटा देखो टीचर्स डे पर सेलिब्रेशन, रियल सेलिब्रेशन ये है जब मैं आपको पूरी मेहनत से पढ़ाऊं और आपका वन शॉट कराऊं और आपको नीट में सेलेक्ट कराऊं, तब तो टीचर्स डे का बेटा सेलिब्रेशन का कोई मतलब है ना, बाकी कोई मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने इसे जवाब दिया है, वेरी गुड वेरी गुड बेटा। वेदांत, धनाई, अश्मिया, आशिमा, नेचर, कमलेश, प्रणय एंड मैंने मोर किटार दे रहा बेटा, धर्मेंद्र सबका नाम नहीं ले पाए, रागनी, नेचर, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही जवाब, आंसर है इसका थर्ड, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, देन सीक्रेशन, ठीक। चलिए वेरी गुड, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ठीक है थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब, ओके रीअब्जॉर्ब, पहला ऑप्शन बाय पीसीटी 80%, दूसरा बाय पीसीटी एंड डीसीटी 100%, तीसरा बाय पीसीटी 100% और डी ऑल ऑफ दिस, ये ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ध्यान लगाइए, बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे, ये बात समझ में आ गई तो आगे मुझे पढ़ाने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर अब आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। दिव्यानी, गुन्नू है ना, यश, प्रीति चौधरी, हैप्पी टीचर्स डे सर, थैंक यू, पानी पूड़ी वाला भैया, वेरी गुड बेटा, नीट निकलेगा इस बार तुम्हारा, तो इस बार से फिर पानी पूड़ी नहीं खिला पाओगे, ठीक है चलो इस बार नीट निकलवाएंगे तुम्हारा कैसे भी। अंजलि, सक्षम, प्रणय, ज्योति, गुन्नू, दीक्षित, विजयपाल, शरिता, एग्जिट, नीचे आओ, फैजू नीचे बुला रहे हैं भाई, चले जाओ कोई, शबनम, डैनियल, बहुत बढ़िया, अनिकेत, अंजलि चौहान, कुमारी, विशु, ब्रजमोहन, रमन जी, वेरी गुड, हमारे नाम से बैठे हैं, बहुत बढ़िया मुन्ना, हाँ जी बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप, सही जवाब बहुत बच्चों ने दिया है, बहुतों ने नहीं दे पाए हैं, करेक्ट आंसर है बेटा सी। जी हाँ दोस्तों करेक्ट आंसर है सी, 100%, जी हाँ दोस्तों 100% ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कर लेती है पीसीटी आएगा बेटा। शीनू, आरुषि, मुकुंद्र सर आप नालायक क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा ये हमारा आदत है, ठीक है। हेलो आशिमा, हाउ आर यू, थैंक यू,
थैंक यू सैम टू यू, है ना। तुम नालायक हो नहीं, सीरियस मत लो, दिल पे मत लो, तुम बहुत लायक हो, समझ रहे हो। हाँ सोनम वेरी गुड, तुम बहुत लायक हो बेटा। वो तो ऐसे बोल दिया जाता है प्यार से। कि मेरे एक सर थे फिजिक्स वाले जो हमें पढ़ाते थे, पीवाई सर, है ना, 2011-12 में जब हम नीट की तैयारी कर रहे थे उस टाइम, तो मैं बोलते थे अबे नालायक, तो बस वही नालायक मुझे याद रहा है। ठीक है सर, मैंने इतनी बार आंसर दिया फिर भी आपने मेरा नाम नहीं लिया। प्रेरणा, प्रेरणा जी आपका नाम सबको पता है, पूरा देश जानता है आपका नाम, वेरी गुड। चलिए आगे चले, आगे चले भाई। चलिए बेटा, तो तीन प्रोसेस होते हैं ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन, पहला रीअब्जॉर्प्शन, दूसरा सीक्रेशन, तीसरा। डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप है बेटा यूरिन फॉर्मेशन का, कि जिसमें ब्लड आएगा अफरेंट आर्टरी लेके आएगी और वो वहां पर फिल्ट्रेट होगा, फिल्ट्रेट होगा। तो देखिए ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्ट्रेट हो रहा है बाय द किडनी पर मिनट, पर मिनट हो रहा है। तो आप सोचिए, क्या सोचिए कि बेटा अपना कार्डिक आउटपुट कितना है, एक मिनट में, वन मिनट का, एक मिनट का पूछ रहा हूं मैं आपसे, एक मिनट का कार्डिक आउटपुट है कितना, 5000 ml अप्रोक्स, कितना 5000 ml, राइट। लेकिन फिल्ट्रेट कितना होता है एक मिनट के अंदर, 1100 to 1200, मतलब लगभग 1/5 part, राइट। तो 1/5 जब ब्लड जो पंप करता है ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट, ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, स्ट्रोक वॉल्यूम जानते हैं ना, कार्डिक आउटपुट क्या होता है, हैं, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एक वेंट्रिकल निकालता है, दोनों वेंट्रिकल निकालते हैं, एक वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, दोनों का ऐड नहीं करोगे, एक वेंट्रिकल 70 ml निकालता है, दूसरा कितना निकालेगा, 70 ml या 69 ml। दोनों वेंट्रिकल हमेशा, जिन बच्चों को नहीं पता है, राइट वेंट्रिकल हो चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल हो, दोनों वेंट्रिकल हमेशा हमेशा सेम ब्लड निकालेंगे, सेम अमाउंट ऑफ ब्लड। यदि आपको, मैंने आपको बार बार कहता हूं, यदि आपका राइट वेंट्रिकल 69 ml निकाल रहा है 70 की जगह, कितना 69, और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल निकाल रहा है 70 ml, भाई साहब लेने के देने पड़ जाएंगे, 10 मिनट के अंदर डेथ हो जाएगी आपकी। कितने अंदर, 10 मिनट के अंदर। समझ आया आपके वाली बात, हाँ, इस बात का याद रखें आप, एक मिनट का भी गैप नहीं होना चाहिए बिटवीन टू वेंट्रिकल, एक ml का भी गैप नहीं होना चाहिए, ओके। यस प्रीति जी, ध्यान दीजिए बेटा, आई एम फ्रॉम कोटा, ओके, लेट्स बिगिन इट। आगे समझिए, ग्लोमेरुलस कैपिलरी ब्लड प्रेशर जो होता है, मैंने आपको बताया कि बेटा वो फिल्ट्रेशन प्रेशर वहां पर आता है। तीन लेयर है वहां पर, कौन कौन सी है, एक जो ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड जो कैपिलरी है, कैपिलरी के लेयर को बेटा क्या कहते हैं, एंडोथीलियम। और एंडोथीलियम में कौन सी सेल पाई जाती है, स्क्वेमस एपिथीलियम पाया जाता है बेटा। कौन सा एपिथीलियम पाया जाता है, स्क्वेमस, एक तो ब्लड वेसल्स हो गई, दूसरा बेटा बोमेन कैप्सूल। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए बोमेन कैप्सूल जो है वहां पर भी एपिथीलियम है, बिल्कुल है, बीच में क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तीनों मिलकर के बेटा क्या बना रहे हैं, एक तरीके के फिल्ट्रेशन लेयर बना रहे हैं। बात समझ आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि बेटा जो बोमेन की जो कैप्सूल होता है उसमें जो एपिथीलियम है उस पर जो सेल्स पाई जाती है उनके अलग से नाम होता है, क्या नाम है उसका, पोडोसाइट। और पोडोसाइट इस तरीके से रहती है, तो बीच बीच में बेटा क्या छोड़ देती है, स्पेस छोड़ देती है, क्या छोड़ती है, स्पेस, उसे कहते हैं स्लिट पोर या फिल्ट्रेशन स्लिट। और इतना फाइन स्लिट होता है कि ये सब कुछ आने देगा, किसको आने देगा बेटा, पूरा प्लाज्मा को आने देगा, राइट। लेकिन क्या नहीं आने देगा प्लाज्मा में से, प्रोटीन नहीं आने देगा, समझ रहे ना मेरी बात को, प्रोटीन को नहीं आने देगा, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल नहीं आने देगा, कार्बोहाइड्रेट बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं आने देगा। ग्लूकोज आ जाता है थोड़ा, उसको वापस रीअब्जर्व कर लिया जाता है, पीसीटी उसको रीअब्जर्व कर लेती है, तो इसलिए इसको बेटा क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही फाइन इसमें स्लिट होते हैं, और ये आरबीसी नहीं आने देता, डब्ल्यूबीसी नहीं आने देता, प्लेटलेट भी नहीं आने देता, ये सिर्फ प्लाज्मा आने देता है, और प्लाज्मा में भी बेटा प्लाज्मा प्रोटीन को नहीं आने देता। बात समझ आ गया, ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, वेरी गुड। चलो आगे समझ, इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, इसका मतलब आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जीएफआर, भाई जीएफआर से क्वेश्चन बहुत बनते हैं बेटा, जीएफआर से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। क्वेश्चन बना दूं मैं, आप कहो तो जीएफआर से क्वेश्चन बना दूं, अबे नाला की फोन स्विच ऑफ हो गया, एक मिनट में इसको चार्ज लगा के आया, चार्ज लगा के आया मैं इसको, 10-2 सेकंड में। हाँ जी, अब बेटा ध्यान से समझना, जीएफआर आप कहोगे सर हमें याद है, हमें बहुत अच्छे से याद है सर, 125 ml निकलता है
पर मिनट निकलता है। पर मिनट जो है हमारी किडनी कितना बेटा प्लाज्मा फिल्ट्रेट कर लेती है, 125 ml पर मिनट। ये तो सर हमें याद है, क्वेश्चन घुमा दूंगा तो आप सर कहेंगे सर आप तो बहुत टफ क्वेश्चन बना देते हैं। अरे बेटा फिजियोलॉजी में से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। विच हॉर्मोन, आप अप्रिशिएट करेंगे इस क्वेश्चन को, विच हॉर्मोन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन GFR। पहला ऑप्शन, आप सब कहेंगे सर हमें तो याद है ना, ऑब्वियसली आपको याद ही होगा, नो डाउट, रेनिन। ओके, दूसरा मैं आपसे पूछ लेता हूँ बेटा कॉर्टिसोल, और बेटा चौथा मैं आपसे पूछ लेता हूँ बोथ, ठीक है, और रेनिन ओनली भी ऑप्शन है, और डी है बेटा, डी मान लीजिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ थायरोक्सिन। क्या पूछ लेता हूँ मैं आपसे? थायरोक्सिन। अब आप मुझे जवाब दीजिए आप मुझे, मैं आपसे जवाब चाहूंगा, बताइए कौन से हॉर्मोन्स है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा GFR के अंदर। अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर रेनिन करता है? नहीं बेटा, सोच समझ के जवाब देना है, सोच समझ के जवाब दीजिए आप, जल्दी जवाब दीजिएगा सोच समझ के, मैं यही हूँ, जल्दी जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बिल्कुल सही जवाब बेटा, बोथ कॉर्टिसोल और रेनिन। जिन बच्चों को नहीं पता है, कॉर्टिसोल जो होता है बेटा करेक्ट करता है, क्या करता है, करेक्ट द रीनल फंक्शन एंड CVS फंक्शन, कार्डियोवैस्कुलर। यदि बीपी लो है तो उसको बढ़ा देगा, नॉर्मल एक GFR डाउन है तो GFR को बढ़ा देगा, कौन, कॉर्टिसोल। जिनको नहीं पता, दैट्स व्हाई कॉर्टिसोल इज कॉल्ड लाइफ सेविंग हार्मोन, क्योंकि वो CVS करेक्ट कर देता है और रीनल फंक्शन करेक्ट कर देता है। इसलिए हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन आपने देखा होगा, थैलाचार डॉक्टर डायरेक्ट आपको लगा देते हैं और इमरजेंसी में हाइड्रोकॉर्टिसोन लगाया जाता है। वेरी गुड, क्लियर। चलिए आगे आ, समझिए कि भैया 125 ml पर मिनट निकलता है। यदि मैं पूरे दिन की बात करूं तो पूरा दिन कितना, 180 लीटर पर डे, इतना बेटा क्या बनता है आपका, फिल्ट्रेशन होता है, कितना आपका फिल्ट्रेशन हो रहा है। यूरिन नहीं कह रहा मैं, यूरिन कहना क्या है गलत, यूरिन नहीं बोलना, क्या बोलना है, फिल्ट्रेशन बोलना है। फिल्ट्रेशन कितना, 120 लीटर पर मिनट या 125 ml पर मिनट। यूरिन कितना बना उसकी आगे बात करेंगे बेटा, यूरिन तो बनता है आपका 1.5 लीटर, कितना बनता है, 1 से 1.5 लीटर बनता है। सर 180 लीटर फिल्ट्रेट हुआ है और यूरिन 1.5 लीटर बाहर आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। तो क्या गड़बड़ है बेटा, कि 99% जो आपका फिल्ट्रेशन होता है उसको रीअब्जर्व कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्प्शन। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मेजर रीअब्जॉर्प्शन साइज क्या है, ये क्वेश्चन है आपका बेटा नीट का, क्या क्वेश्चन है कि मेजर जो रीअब्जॉर्प्शन है वो हुआ तो हुआ कहां, पूछता है भारत। तो आपको कोई आंसर नहीं करना, आंख बंद करके एक ही आंसर आपका आएगा, PCT। जी हाँ बच्चों, PCT ही आंसर आपको करेगा, राइट। और PCT के अंदर यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, आपका ग्लूकोज 100% आपका ग्लूकोज PCT रिएक्ट कर लेती है, ग्लूकोज ही नहीं, अमाइनो एसिड आल्सो। जी हाँ बच्चों, अमाइनो एसिड जो होते हैं ना वो भी 100% बेटा क्या हो जाते हैं, रीअब्जर्व। ये कहाँ होते हैं, दोनों ही बेटा PCT में होते हैं। तो जीवन में याद रखना इस लाइन को, आपके NCERT में नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 100% ग्लूकोज और 100% अमीनो एसिड, 100% बोला मैंने, 100%, 1% भी ग्लूकोज बाहर आ गया, 1% अमीनो एसिड बाहर आ गया, मतलब आप डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं या आपके सिलेक्ट फोर में दिक्कत है, ग्लोमेनेफ्राइटिस, डायबिटीज, कुछ भी आपको किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आगे वो आगे डिटेल बात है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात बेटा, वेरी गुड। आप सुनिए, ट्यूबुलर जो एपिथेलियम सेल्स जो होती है, मैंने आपको क्या बोला, ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल्स रीअब्जर्व कर लिया, PCT कर लिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन और है आपका, क्या कि भाई कुछ सबस्टेंस ऐसे होते हैं जो कि एक्टिव रीअब्जर्व होते हैं और कुछ सबस्टेंस ऐसे होते हैं बेटा जो कि पैसिवली मैकेनिज्म से रीअब्जर्व होते हैं। जैसे मैं आपको क्या कहूंगा, बात ध्यान को समझिएगा, जैसे मैं आपसे कहता हूं क्या, ग्लूकोज हुआ, अमाइनो एसिड हुआ, सोडियम हुआ, ये सब बेटा रीअब्जर्व होते हैं एक्टिवली। आप नीट को याद रखना, आपको डाइजेशन में नहीं जाना, डाइजेशन में तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड पैसिव, फैसिलिटेटेड, एक्टिव, तीनों फॉर्म में जाता है। डाइजेशन में जो आपने ग्लूकोज पढ़ा, अमीनो एसिड पढ़ा, वो तीनों फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव। बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लूकोज अमीनो एसिड विद रेस्पेक्ट टू किडनी,
समझ रहे मेरी बात को, मैं पीसीटी के रेस्पेक्ट बात कर रहा हूँ, मैं किडनी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो 100% जो रीऑब्जर्व हुए उनमें लगे बेटा एनर्जी, और ये सब कैसे हुए, एक्टिवली हुए, या आंसर आप पैसिवली नहीं कर पाएंगे। फिर आप कहेंगे सर कि ये सब सिर्फ एक्टिवली ऑब्जर्व होते हैं किडनी में सारे सब्सटेंस, नहीं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो पैसिवली ऑब्जर्व होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन वेस्ट, तो नाइट्रोजन वेस्ट तो पैसिवली भी जाता है। बात आया समझ में? तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन के जो डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं वो हमेशा एक्टिव करते हैं या पैसिव करते हैं, बोथ करते हैं। तो बेटा बोथ करते हैं, कुछ एक्टिव तो कुछ पैसिव, कुछ सेगमेंट एक्टिव कुछ सेगमेंट पैसिव करेगा। बात आया समझ में? समझ आ गया। अब आप कहेंगे सर वाटर का क्या होगा? सर वाटर का, तो वाटर बेटा आपका पैसिवली जाता है। क्या जाता है बेटा? पैसिवली जाता है। पीसीटी में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा तो बेटा वो पैसिवली होगा। इसी बात समझ आ गई? चलिए वेरी गुड। अब आगे समझिए, वेरी गुड। इस बात कर भी बच्चा बहुत बार क्या करता है, गलत कर देता है। उसको ये नहीं पता कि कौन सा सब्सटेंस उसको सीक्रेट करना है और कौन सा सब्सटेंस बेटा उसको रीऑब्जर्व करना है। अब यहाँ बच्चे को ये भी नहीं पता होता बेचारे को सीक्रेशन का सर मतलब क्या है। बेटा सीक्रेशन का मतलब है फिल्ट्रेशन में डालना, यूरिन में डालना, कचरा कचरा। तो याद रखना H+ को, K+ को, अमोनिया को फिल्ट्रेट में डाला जाता है जो कि बाद में यूरिन से बाहर निकलेगा। तो H+ को, K+ को, अमोनिया को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। क्या की जाती है? बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। उसे कहते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन। ट्यूब्यूल को देखो दो चीजें होती हैं, एक फिल्ट्रेशन तो हुआ, जब फिल्ट्रेशन हुआ तो दो चीजें हो सकती हैं। यदि आप कोई चीज फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ सब्सटेंस ऐसा रहा होगा कैसा, जो गलती से छन गया, गलती से छन गया, और कुछ ऐसा जो गलती से नहीं छना। दोनों ही बातें हैं भाई। कुछ सब्सटेंस ऐसा है जो गलती से यूरिन में चला गया और कुछ ऐसा है जो यूरिन में जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया। तो इसको करेक्ट करने के लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद दो मेथड होते हैं। कौन कौन से? रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। रीअब्जॉर्प्शन पहले होता है, मतलब भाई ऐसा कोई सब्सटेंस है जो गलती से यूरिन में चला गया। हाँ जी है। कौन? अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है। तो ये यार यूरिन में फिल्ट्रेट में आगे बाहर नहीं जाए, इसको वापस ले लो। तो ये वापस इसको ब्लड में ले लिया जाता है, किसको? ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड को। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अभी ब्लड में है लेकिन मुझे फिल्ट्रेशन में डालना है, यूरिन में डालना है। तो वो कौन से? अमोनिया हुआ, H+ हुआ, K+ हुआ। तो उनको डाल दिया जाता है, उसे उसको ब्लड से निकाल के यूरिन फिल्ट्रेट में डाल रहे हैं, यूरिन में डाल रहे हैं। तो उसे क्या कहेंगे? सीक्रेशन। और मैंने जो ग्लूकोज अमाइनो एसिड को जो मैंने वापस ब्लड में डाला, दैट इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। तो मीनिंग ऑफ रीअब्जॉर्प्शन की ब्लड में डालना, और मीनिंग ऑफ सीक्रेशन तो ट्यूब्यूल से निकल के ट्यूबुलर सीक्रेशन हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब यूरिन में जा रहा है। आप समझ गए इस बात को? दैट इज मच मच इंपॉर्टेंट जो आपको समझना है। वेरी गुड। क्योंकि बेटा इससे आयनिक बैलेंस बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ज्यादा मतलब समझ रहे हो? बहुत बढ़िया बात। चलिए आप समझिए एक एक फंक्शन। ये आपके एनसीईआरटी के बहुत सुपर डुपर लाइन है, जो आपकी एनसीईआरटी की लाइनों को मोस्टली बच्चा मैंने देखा है, आम विद्यार्थी जो होता है नीट यूजी का, वो बार बार इन लाइनों को क्या करता है, गलत करता है। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, क्योंकि बचपन से नीट दे रहा हूँ मैं। मुझे नीट जब मैंने दिया तो बचपन से दे रहा था मैं, है ना। फिर मैं नीट में सिलेक्शन लिया, वो भी बचपन से ले लिया था। ध्यान दीजिएगा, पीसीटी की बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बात सर के दिमाग में याद रख लो आप, क्या कभी आपसे GIT पूछे, आपको कुछ नहीं आ रहा कि यार कौन सी एपिथेलियम मिलती है, GIT पूछे मतलब इंटेस्टाइन डाइजेशन, है ना, लीवर, गॉल ब्लैडर, ऐसे बोलने लगता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एक आंसर टका के आ जाना। कुछ भी दिमाग ना काम करे तो बोल देना कॉलमनर। GIT पूछे तो कॉलमनर एपिथेलियम मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? कॉलमनर। और किडनी वगैरह पूछे, समझ रहे, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात हो तो आंख बंद करके आंसर क्यूबॉइडल करके आ जाना बेटा। सिंपल बता रहा हूं मैं, आप क्या करके आ जाना? क्यूबॉइडल। तो पीसीटी में कौन सी मिलेगी बेटा? क्यूबॉइडल, मतलब क्यूब के जैसी बेटा, क्यूब के जैसी मिलती है, ऐसी ऐसी, अरे नालक बन जा, ऐसी क्यूब की जैसी मिलती है बेटा, क्यूब की जैसी, ऐसी। समझ रहे ना मेरी बात को? ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो बेटा पीसीटी में कौन सी मिलेगी? क्यूबॉइडल। और बेटा जहां जहां बात किसकी हो रही है, एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, आप सोचो जहां एब्जॉर्प्शन होगा तो वहां तो बेटा ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सरफेस एरिया बढ़ाता है। तो बेटा ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होगा, और कौन सी एपिथेलियम मिलेंगी? क्यूबॉइडल। किसके अंदर? पीसीटी के अंदर। एक महानुभाव है, उन्होंने गलत किया था एक बार, है ना, एक लाइव क्लास में, महानुभाव है, बहुत बड़ी फैकल्टी है वो, क्या कहें उनके बारे में, तो उन्होंने क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही गलत कर दिया था। ठीक है, ये तो महानुभाव आते रहते हैं जिंदगी में। चलिए बेटा पढ़ाने से पहले खुद, यदि आप MBBS नहीं है, आप BHMS हैं, लेकिन आप BHMS के खुद का MBBS बताते हैं तो बच्चों के साथ क्या है बेटा? धोखा है ना। यस, वो महानुभाव MBBS नहीं है बेटा, तुमको लगता है वो MBBS है, बिल्कुल नहीं, वो BHMS है। ठीक है, लेकिन वो कभी कहीं नहीं लिखेंगे कि वो MBBS है, कहीं नहीं लिखते वो, ना अपने प्रोफाइल पे, ना कहीं इंस्टाग्राम पे, ना ही व्हाट्सएप पे, कहीं नहीं लिखते MBBS, बस डॉक्टर लिखते हैं, लेकिन कभी MBBS नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि MBBS है ही नहीं, BHMS। ओके, और ब्लेंडर कर देते हैं, ब्लेंडर। चलिए आगे चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन।
बेटा मैंने आपको क्या बोला, नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जी हाँ बच्चों, एसेंशियल न्यूट्रिएंट कौन है हमारे, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है। तो बेटा 100% बोला मैंने, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, कोई इसको 99 भी कर जाए ना तो रमन सर के पास आ जाना आप। 100% ग्लूकोज और 100% अमाइनो एसिड ये रीअब्जर्व होता है कहाँ, पीसीजी के अंदर। एंड 70-80% जो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है बेटा, और वाटर, जी हाँ बच्चों वो भी बेटा यहीं पीसीजी में अब्जर्व होता है। तो पीसीजी पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, लेकिन कैसे, सेलेक्टिव सीक्रेशन भी कराता है। सेलेक्टिव मतलब सबका सीक्रेशन नहीं कराएगा, कुछ का सीक्रेट कराएगा, जैसे एच प्लस का, अमोनिया का, पोटेशियम का, इनको बाहर निकाला है, समझ रहा है। और यूरिन से बाइकार्बोनेट को वापस बुलाएगा। अब सर बाइकार्बोनेट को वापस क्यों बुला रहा है, कैसे याद रखूं, क्योंकि बेटा बाइकार्बोनेट क्या करता है, बफर सिस्टम करता है, क्या कराता है, बफर सिस्टम। हमारे जो ब्लड होता है, प्लाज्मा होता है, उसके पीएच को मेंटेन कराना काम करता है, इसलिए बाइकार्बोनेट को वापस बुलाना जरूरी है। समझ आ गया बात, वेरी गुड। ये तो हो गया बेटा पीसीटी का फंक्शन, क्वेश्चन कहां से आया बता चुका हूं। पीसीटी सेलेक्टिव सीक्रेशन कराती है, किसका, एच प्लस का, के प्लस का, अमोनिया का। बाइकार्बोनेट क्या कराएगी, एब्जॉर्प्शन कराएगी। बाइकार्बोनेट क्या कराएगी, एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन नहीं। ये नीट का क्वेश्चन है, तुमने कहीं ना कहीं देखा होगा और तुमने बेटा इस क्वेश्चन गलत भी किया होगा। समझ आ गया। नेक्स्ट बात बेटा, हेनले का लूप, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार बार नहीं मतलब 50 बार नीट में पूछा जाता है बेटा, बहुत बार पूछा जाता है कि मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के जिस हिस्से में होता है उसका नाम बताइए। तो आप कहेंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, उसमें मिलता है बेटा मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है बेटा हेनले के लूप की असेंडिंग लिम्ब में। एक ली बात, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है इसमें मिनिमम होता है, इट्स ऑल ओके, इसका मतलब कि हेनले लूप कोई काम का नहीं है, गलत बात। हेनले लूप बेटा बहुत काम का, यदि हेनले लूप नहीं होगा तो फिर आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है यूरिन की वो बेटा काफी काफी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डायल्यूट यूरिन बनेगा। तो यही बात आपको इंपॉर्टेंट है कि क्या एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आप बोल सकते हैं हेनले लूप का। तो हेनले लूप के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा, क्या, एक तो हाई ऑस्मोलिटी, हाई कॉन्सेंट्रेशन मेडुलरी इंटरस्टीशियल फ्लूइड में बना के रखना, हाई कॉन्सेंट्रेशन बना के रखना, दूसरा हाई कॉन्सेंट्रेट यूरिन डिलीवर करना। ये दोनों फंक्शन होते हैं किसके, हेनले लूप के काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू, काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, इसकी दो लिम्ब है, एक लिम्ब जो इसकी असेंडिंग लिम्ब है और एक लिम्ब है बेटा इसकी डिसेंडिंग लिम्ब है। तो अब इस तरीके से याद रखिए, किस तरीके से याद रखिए कि भैया जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो पानी को जाने देती है बट इलेक्ट्रोलाइट को नहीं जाने देती, मतलब डिसेंडिंग लिम्ब में फिर से कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है और असेंडिंग लिम्ब में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा नहीं होती, उल्टी कम हो जाती है। सर ये सब बात कैसे, बिल्कुल समझ नहीं आया हमारे तो, बिल्कुल नहीं समझ आया। चलो अभी समझाते हैं, या आपको हेनले लूप का झंझट कभी जीवन में समझ में आता नहीं है, हम आपके एनसीईआरटी से ही बड़े ही झंझट को सॉल्व कर देंगे। आप कहोगे सर वाह मजा आया, पर ये मजा हर बार तक देना चाहेंगे क्योंकि हमको समझ आ गया। चलिए अभी बताते हैं आपको, ध्यान समझिएगा, यदि आप समझ पा रहे हैं तो। देखो बेटा अभी आप समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, ये हेनले लूप है, ये नीचे आ रहा है और ये हेनले लूप ऊपर जा रहा है, राइट। हमको एक बात समझनी है, काहे बात समझनी है, यहाँ से भी नहीं समझ आए तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले बेटा 3 मिली ऑस्मोल होता है, देखो यहाँ समझ आएगा तुम्हें एग्जैक्टली बात, एग्जैक्टली घटना यहाँ समझ आएगी। पहले कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी, 300 मिली ऑस्मोल, कितनी थी 300, बाद में कितनी हो गई 1200। सोचो आप पहले कॉन्सेंट्रेशन कम थी और बाद में क्या हो गई, ज्यादा, कैसे रही होगी, पानी निकला होगा ना पक्का। तो आप समझ गए कि जो डिसेंडिंग जो हेनले लूप है बेटा उसमें से पानी बाहर निकलता है, क्या बाहर निकलता है, पानी, वाटर बाहर निकलता है, दैट्स वाई डिसेंडिंग तो क्या है बेटा, परमिएबल है, किसके लिए, पानी के लिए। अब सुनिए मेरी बात, जैसे जैसे सीक्रेशन कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो बेटा नीचे आता था क्या हो गया, 1200 हो गई, बराबर हो गए इसके, अब सुनना मेरी बात, इसके इंटरसेप्ट बराबर हो गए, ऊपर जा रहे हैं फिर घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, क्यों क्यों घट रहा है भाई, यहाँ तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन तो यहीं हो गया, फिर क्यों घट रहा है, क्योंकि बच्चों जो आपका असेंडिंग लिम्फ होता है वो पानी को नहीं जाने देता बाहर, वो अपने में से किसको बाहर जाने देता है, आयंस को। आप सोचिए ये पानी है, उसमें आपने बेटा नमक मिला दिया, क्या मिला दिया, नमक मिला दिया, राइट। तो पहले तो उसमें से पानी निकल गया, तो पानी निकल गया तो नमक बचा रह गया, पानी बहुत कम है मतलब पहले पहले ही गाढ़ा है, पहले कॉन्सेंट्रेट है, राइट, कॉन्सेंट्रेट है, फिर उसमें से आप क्या कर रहे हैं, फिर उसमें से आप नमक और निकाल रहे हैं, तो क्या हो गया, तो आपका पहले से डायल्यूट हो जाएगा। तो वैसे ही बात बेटा यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ से वाटर तो निकल गया और आप ऊपर जा रहे हैं तो फिर NaCl निकल रहा है, मतलब अब कॉन्सेंट्रेट रिलेटिवली घट गई, मतलब फिर से वो क्या हो गया बेटा, डायल्यूट हो गया। तो ऊपर से
जब आप डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें, डिसेंडिंग लिम्ब जैसे नीचे नीचे की तरफ आता है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, और असेंडिंग लिम्ब में जैसे ऊपर ऊपर की तरफ जाते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन घटती है। क्या करती है बेटा? घटती है। बात समझ आया? घटती है। अब आप कहेंगे सर आपने तो पढ़ाया कि यूरिन कॉन्सेंट्रेट निकलता है और आप यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ तो यूरिन डायलेट है। अरे सर ये क्या हो गया, असेंडिंग लिम्ब में यूरिन डायलेट है बताइए, और आप कहते हैं कि यूरिन कॉन्सेंट्रेट है, ये तो गजब हो गया। ये फिर यहाँ कॉन्सेंट्रेट नहीं हुआ तो हुआ कहाँ, पूछता है भारत, ये आपने क्वेश्चन पूछा होगा। अब हम आपको जवाब देते हैं कि इसका और क्या इलाज है बेटा। सुनिए कि यहाँ आपका यूरिन आ गया, मान लीजिए बेटा इसका 200 मिली ऑस्मोल है, मतलब सर ये तो डाइल्यूट है, बिल्कुल डाइल्यूट है, मैं आपसे मना नहीं कर रहा, इसमें बहुत ज्यादा पानी है। अब क्या करें सर? जवाब है हमारे पास, क्या करेंगे, क्या करेंगे, हमारे पास जवाब है। अब सुनिए इसमें से क्या करना है बेटा, इसमें से ये करना है कि ये है आपकी डीसीटी। कौन है बेटा? डीसीटी। अब इस डीसीटी पर काम करेंगे दो बंदे, कौन कौन? दो। कौन? एक तो काम करेगा बेटा एल्डोस्टेरोन, एक काम करेगा एल्डोस्टेरोन, और एक काम करेगा एडीएच। कोई आपसे ये कहे कि भाई डीसीटी बताओ एल्डोस्टेरोन काम करता है, ईडीएच नहीं करता, तो गलत पढ़ा रहा है। ईडीएच भी काम करता है, एल्डोस्टेरोन भी काम करता है, दोनों ही काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों ही काम करते हैं। तो याद रखना बेटा एल्डोस्टेरोन जो होता है वो पहले काम करता है और ADH बाद में काम करता है। ADH का कोई इतना बहुत बड़ा रोल नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा कि ADH का कितना रोल होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बेटा पहले जो रोल करता है वो रोल कौन करता है? फर्स्ट रोल होता है एल्डोस्टेरोन का। अब आप कहेंगे सर एल्डोस्टेरोन क्या करता है? एल्डोस्टेरोन कराता है बेटा आयनिक बैलेंस। क्या कराता है? आयनिक बैलेंस। तो सर ये पानी के लिए कुछ नहीं करेगा क्या, मतलब वाटर वाटर नहीं लेके जाएगा क्या? वाटर भी लेके जाएगा। सर कैसे लेके जाएगा हम बताते हैं आपको, सुनिए मेरी बात बच्चों। क्या होता है, ये तो लेके गया बेचारा पानी, क्या लेके गया? NaCl, NaCl लेके गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए ऑस्मोटिक ग्रेडिएंट के हिसाब से सोडियम जो होता है वो हमेशा किसके पीछे भागता है? सोडियम के पीछे हमेशा कौन भागता है? पानी। कौन भागता है? पानी। तो आप एनसीआरटी में क्या देख रहे हैं, NaCl तो जा ही रहा है साथ में पानी भी जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वाटर को भी जाना पड़ता है, तो जहां जहां सोडियम जा रहा है वहां वहां वाटर उसके पीछे पीछे जाता है उसमें ग्रेडिएंट को ठीक करने के लिए। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो एल्डोस्टेरोन का मेन काम क्या है? आयनिक बैलेंस। अब आप कहेंगे सर आयनिक बैलेंस है तो आयन से बात करिए, वाटर का इसमें क्या रोल? भैया वाटर का उसमें रोल नहीं है, लेकिन वाटर का इनडायरेक्ट रोल है, क्योंकि ऑस्मोलिटी के हिसाब से सोडियम के पीछे पीछे वाटर भी भागता है, जहां जहां सोडियम वहां वहां वाटर भी भागता है। समझ आ गया? ऑस्मोलिटी के हिसाब से आप समझ पा रहे हैं इस बात को, एल्डोस्टेरोन का मेन काम आयनिक बैलेंस, सेकेंडरी काम वाटर का रिएब्जॉर्ब कराना, कि वाटर जा रहा है लेकिन सोडियम की वजह से जा रहा है, एल्डोस्टेरोन की वजह से नहीं जा रहा, मतलब डायरेक्ट नहीं जा रहा, सोडियम की वजह, सोडियम गया इसकी वजह से गया वो, गेटिंग माय पॉइंट? यस। और सिर्फ यदि वाटर की कोई बात करेगा, मतलब सिर्फ वाटर की बात करने वाला एक ही इंसान है, कौन? ADH, एंटीडायुरेटिक हार्मोन, एंटीडायुरेटिक हार्मोन ADH, जो कहां से निकलता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। तो ADH क्या कराता है बेटा? ADH कराता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। ADH मेनली वाटर का काम करेगा, वो वाटर को लेके जाएगा, जो बचा हुआ जो वाटर है वो उसको वाटर को लेके जाएगा और वाटर को रीअब्जॉर्ब करा देगा। ADH का काम करेगा सर? सीटी पे काम करेगा, हां सीटी पे काम करेगा। डीसीटी पे काम करेगा, हां डीसीटी पे भी काम करेगा, दोनों जगह काम करेगा, सीटी पे भी करेगा, डीसीटी पे भी करेगा। समझ रहे ना मेरी बात को? चलो मैं मेरा मोबाइल लेके आया, जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को डाउट है बेटा जल्दी से बताइए, समझ आया तो लाइक ठोकिए, नहीं समझ आया तो बताइए। हाँ जी सॉरी, बात समझ आ गया बेटा? क्यून गर्ल, शेनो, फिजा, नेचर लवर, जुबिया, सर जी नींद आ रही है हैं? बहुत तेज हो रहे हो हैं? नींद आ रही है तुम्हें नालायक, हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं तुम्हें नींद आ रही है? सर बुक में के का सीक्रेशन पीसीटी में दिया है लेकिन फिगर में नहीं, फिगर में उधर दिया है बेटा, बताता हूँ मैं, है ना? वेरी क्लियर। सुधीर मुर्गा बना दो, मुर्गा आप भी सो जाओ, मैं लाइक पढ़ने पे ध्यान दे बेटा, पढ़ो लिखो, आईएस वाईएस बनो, हाँ सोने में लगे पड़े हो। ओके वेल क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
चलिए जी आगे चलते हैं बेटा। बहुत बढ़िया। ओके तो यही बात आपको बेहतरीन तरीके से यहां समझ आ जाएगी। जो जो मैंने आपको बोला वो लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है। जी हाँ दोस्तों समझिएगा। एक बच्चे ने बोला कि सर के प्लस बेटा दे रखा है, के प्लस पीसीटी में देखो ये रहा के प्लस, ये जा रहा दिख रहा है के प्लस दिख रहा है, ये रहा है ना दे रखा है एनसीईआरटी में। चलो अब समझिए बेटा, अगला फंक्शन है आपका किसका, डीसीटी का। ओके डीसीटी का फंक्शन से बड़ा ही शानदार वाला क्वेश्चन आता है, खतरनाक क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग गलत कर देते हैं और बहुत बार बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी बताने जा रहा हूँ मैं आपको। जी हाँ समझिएगा, डीसीटी एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आता है। क्या? कंडीशनल, ध्यान रखिएगा शब्द लगा कंडीशनल रीऑब्जॉर्प्शन, ये और कहीं नहीं है, कंडीशनल रीऑब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। ये किस सेगमेंट में है बेटा? डीसीटी में। दैट इज मच मच इंपॉर्टेंट, कंडीशनल शब्द का ध्यान रखिएगा। समझ पा रहे? बहुत बढ़िया। क्यों बोर हो गए क्या तुम लोग? अरे तुम्हें ब्रेक चाहिए एक मिनट का या 30 सेकंड का, जल्दी बताओ। कोई कह रहा है मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके आती हूँ थोड़ी देर में, खुशी जी कह रही हैं। कोई कह रहा है सर मुझे नींद आ रही है। सर के बाल एकदम भौकाल हैं। बहुत बढ़िया, थोड़ा जोश में आओ यार, एकदम जोश में आओ, जोश में आओ बेटा। डेली 10 बजे आ जाया करो, यहाँ 10 बजे बैठ जाया करो, 5-10 मिनट मेरा इंतजार किया करो और 10 से 12 ये तुम्हारा डेली वन शॉट हुआ करेगा। डेली डेली वन शॉट, आपको पता है कि डेली बेटा वन शॉट चल रहा है। एक चैप्टर उठाते हैं खत्म, उठाते हैं खत्म, उठाते हैं खत्म। वैसे ही यदि आपको नहीं पता तो वैसे ही हम क्विज कराते हैं, एक चैप्टर उठाते हैं खत्म कर देते हैं। एनसीईआरटी बेस, एनसीईआरटी बेस बेटा क्विज भी कराते हैं जिन बच्चों को नहीं पता है। फुली एनसीईआरटी बेस क्विज कराई जाती है 7:30 PM पर ऐप के अंदर। आप मेरी प्रोफाइल पर जाएंगे आपको दिख जाएगा। अब जाग जाइए भैया, थोड़ा थोड़ा जागिए। सर बॉडी पेन हो रहा है। सर मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप पढ़ाइए। और कौन पढ़ना चाहता है? कुसुम माई जोसेस हाई। और सर जोक का मूड नहीं है, सर बात कर लो, सर को नींद नहीं आ रही, आप पढ़ाइए। ऐसा है, कल कौन सा चैप्टर होगा वन शॉट में? बहुत बढ़िया, कल होगा बेटा, कल आपका वन शॉट होगा आई थिंक, मुझे देखने दो। ये रहा बेटा पूरा चार्ट इधर बना हुआ है, कल आपका वन शॉट है एंडोक्राइन सिस्टम। ये रहा कल मैं आपको, अरे नालक भाग गया तुम्हारे चक्कर में, कंट्रोल प्लस, अरे तुम्हारे चक्कर में ये लो कंट्रोल प्लस जेड आ गया। यस कंप्लीट एंडोक्राइन सिस्टम है कल, परसों है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। 8 तारीख को क्लास नहीं है, 8 तारीख को सारी स्पेशल क्लास है और 9 तारीख को है कंप्लीट ह्यूमन रिप्रोडक्शन और 10 तारीख को है पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी। जी हाँ पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी एनसीईआरटी रिवाइज कराई जाएगी आपको आपकी नीट से पहले। समझ आ गया? चलो अब जोश में आ जाओ, अब जोश में आ जाइए, अब नहीं सोना, ठीक है? चलाऊ मैं बेटा है अंतेश, अब मैं आगे पढ़ाऊ बेटा। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, भौकाल मचा दिया तुमने, मतलब तुम्हारी एनर्जी बहुत तगड़ी है। वेरी गुड बेटा, भौकाल मचा दिए हैं कतई, वेरी गुड। चलिए हाउ इज द जोश? हाय सर आप कहाँ से हैं? बेटा मैं कोटा से हूँ, ठीक है, आई एम सीनियर बायोलॉजी फैकल्टी इन कोटा। ऑल राइट, आई एम गवर्नमेंट MBBS, गॉट इट। सर मूवमेंट एंड लोकोमोशन का करा दीजिए। ऐसा है मैम, मूवमेंट एंड लोकोमोशन अभी कराया परसों के दिन, प्लीज लेट्स क्रैक न्यूडी जी पर जाओ, थोड़ा नीचे देख लिया करो। रमन सर ने बहुत वन शॉट कराए बेटा, बहुत वन शॉट कराए, सब करा दिए, देख लिया करो, है ना? सर बकुल सर को जानते हैं? खूब जानते हैं बेटा, क्यों नहीं जानते? बकुल सर को बहुत पुराने जमाने से जानते हैं, 2011-12 के टाइम से बकुल सर को जानते हैं, जब वो जयपुर में थे तब से जानते हैं, जयपुर में ही है सर, बहुत अच्छे फैकल्टी है नो डाउट। चलिए बेटा बकुल सर वेटरनरी डॉक्टर है, आप जानते हैं उनको? बिल्कुल जानते हैं, अच्छे फैकल्टी। चलिए शुरू करें बेटा, चलिए चलिए स्टार्ट करिए,
अब आ जाइए जो उसमें आपको डॉक्टर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना, बकुल सर डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर हैं, लैला डॉक्टर पढ़ा रहे हैं ना। चलिए चलो भैया, डीसीटी का पहला क्वेश्चन, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और वाटर किस सेगमेंट में होता है? डीसीटी कंडीशनल शब्द यूज करते हैं, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कहेंगे सर बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन सिर्फ डीसीटी में होता है? नहीं, डीसीटी में तो होता ही है, बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी में होता है, पीसीटी में होता है और सीटी में भी होता है, उसका कोई कॉमन वो नहीं है। एच प्लस हुआ, के प्लस हुआ, अमोनिया हुआ, ये बेटा हर डक्ट निकालती है, डीसीटी भी निकालती है, सीटी भी निकालती है, दैट इज कॉमन फॉर ऑल। लेकिन जब कंडीशनल शब्द बेटा जब यूज हो गया, दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए बेटा आगे चलिए, अब ध्यान लगाइए सीडी पर, सीडी कलेक्टिंग डक्ट पर ध्यान लगाइए, ओके। कलेक्टिंग डक्ट बेटा, कलेक्टिंग डक्ट की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बेटा एक कलेक्टिंग डक्ट कॉर्टेक्स से लेकर के किडनी के मेडुला तक फैली हुई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको क्या बोला, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH का जो मेन जो रोल होता है बेटा वो सीडी पर होता है। क्यों? क्योंकि मेनली जो वाटर जो रीअब्जर्व होता है, जो मेन जो बल्कि जो वाटर है, बल्क ऑफ वाटर जो रीअब्जर्व हो रहा है वो कहां से हो रहा है बेटा? सीडी से हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट से हो रहा है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जर्व फ्रॉम दिस रीजन, इसी वजह से बेटा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट ऑफ यूरिन हमको लास्ट में रिसीव हो जाता है। बात आ गया समझ में? यस। और इसका बेटा ऑस्मोलिटी में बहुत बड़ा रोल है, ऑस्मोलिटी तो है ही, साथ में भाई एच प्लस के प्लस का सिक्रेशन बिला बिला, ये तो आप जानते ही, ये सब सिंपल सी बात है। यदा बात समझ में आ गया, चलिए सर आपकी शादी हो गई, जैस्मैन पूछ रही है, नहीं अभी नहीं हुआ, ठीक है बहुत बढ़िया, अभी नहीं शादी हुई है, सलमान खान की भी नहीं हुई है, हमारी भी नहीं हुई है, राहुल गांधी की भी नहीं हुई है, ठीक है। हाँ जी बेटा, वो बेटा मुझे नहीं पता, हैदर, ओके राइट बेटा, मैं मेरी क्लास बता सकता हूँ आपको, मेरी बेटा स्पेशल क्लास होती है बेटे 7:30 PM पर, ओके। सर की तबीयत खराब होगी, सर बिजी होंगे, है ना। प्रणय, प्रणय पूछ रहे हैं सर आप एनके भाई सर को जानते हैं? बेटा उनको बोलो कि वो हमें जानते हैं, एनके भाई सर को बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने दोनों ने कोटा में साथ काम किया है बेटा, एनके भाई सर और मैंने लगभग 6 महीने से ज्यादा हमने साथ काम किया है, ठीक है। चले आगे, क्या मतलब सर आप सलमान भाई लाइट हो, अब आगे चले भाई, मैं पढ़ाने नहीं दो यार, हैं कोटा में बहुत फैकल्टी के साथ काम किया है, बहुत बढ़िया बढ़िया टॉप टॉप फैकल्टी के साथ काम किया है, नो डाउट, ठीक है। चलिए आगे समझिए, डेस्कटॉप वाले से नारायण जान दो, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, यानी कि आपका क्या बेटा, आपको नहीं समझ आता, काउंटर करंट मैकेनिज्म। बच्चों मैं आपको बता दूं, देखो काउंटर करंट जो मैकेनिज्म, उसमें दो टाइप होता है, एक तो होता है बेटा एक्सचेंजर, एक तो क्या होता है एक्सचेंजर, काउंटर करंट एक्सचेंजर, और एक होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। तुम मुझे टाइम देता ना ऐसे, मतलब ये तुम मुझसे वैसे पढ़ते वन शॉट की जगह, तो बेटा मैं तुम्हें, सर मैं उनका स्टूडेंट हूँ, तो बेटा वहां मैंने ही पढ़ाया है, जिस तुम कोचिंग की बात कर रहे हो कोटा में, वो बेटा मैंने ही पढ़ाया है, ठीक है। सर कोई पूछ रहा था कि आप किस चीज के डॉक्टर हैं, जनरल फिजिशियन, ओके, हम MBBS जनरल फिजिशियन बच्चों, ठीक है, मैं एनिमल डॉक्टर नहीं हूँ बेटा, है ना, बहुत बढ़िया। अब आगे चलें, क्या कहना क्या चाह रहे हो, कोई कह रहा सर आपकी एज क्या है, अरे चल क्या रहा है, मैं आगे चलूं, सर आप बहुत बढ़िया हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आगे चलूं, एज क्या, तुम मेरा आधार कार्ड बनाओगे या मुझे आधार कार्ड से लिंक करोगे, कहना क्या चाह रहे हो, चलो मैं आगे। चलिए भैया आगे चलिए, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, के भाई फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट होता कैसे है, दो रोल याद रखना है बेटा, हेनले लूप एंड वासा रेक्टा। हेनले लूप में क्या होता है एक्सचेंजर, एक्सचेंजर, वासा रेक्टा क्या है, मल्टीप्लाई कर देता है, यही बात समझना है कि भाई फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट हेनले लूप और वासा रेक्टा में दोनों में अलग अलग डायरेक्शन में जाता है, सर कैसे जाता है यही तो बात हमें नहीं समझ आती, राइट ना, राइट, थैंक यू जैस्मिन, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो बेटा, मैं समझ पा रहा हूँ भावनाओं को आपकी, को इधर पढ़ाई पे ध्यान दे लो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, आप भी मेरे बच्चे की तरह हो, है ना, वेरी गुड, मेरा बच्चा है दो बिडो। अब आगे चल, मिमिक्री करने मजबूर नहीं करें मुझे, मैं सस्ता मिमिक्री आर्टिस्ट भी हूँ, तो मेरी मिमिक्री को बहाने निकलवाएं आप, चलिए वरना मैं जैकी श्रॉफ से लेकर के सलमान भाई से लेकर सबकी मिमिक्री कर डालूंगा। अब आगे चलो, तुम मेरी बात समझो, काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ाना चाहता हूँ मैं तुमको, तुम पढ़िए थोड़ा थोड़ा सा पढ़िए और बात को समझिएगा। बच्चों यदि आपको कभी फील नहीं आया तो आपको बता देता हूँ कि ये जो बना हुआ है कौन है, ये कौन है, वो चीज़ आपको नहीं पता ना, तो ये वासा रेक्टा है, यदि आपको नहीं पता तो मैं इसका नाम बता रहा हूँ आपको, ये वासा रेक्टा है, और ये कौन है बच्चे, ये है बेटा हेनले लूप, ये हेनले लूप, यदि आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये है बेटा इसका, ध्यान से देखिएगा कि ऐसे इसमें फ्लो हो रहा है दिस दिस इस डायरेक्शन में,
और इसमें फ्लो हो रहा है बेटा इस डायरेक्शन में, क्या समझे आप, एंटागोनिस्ट फ्लो चल रहा है, एंटागोनिस्ट एक दूसरे के उल्टा फ्लो हो रहा है, ये वासर एक्टा है और ये हेनले लूप है। अब आपको आगे बात समझ आ जाएगी कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। चलो अभी समझाता हूं मैं आपको, हाँ ध्यान दीजिए कि बच्चों काउंटर करंट की वजह से 300 मिली ऑस्मोल से 1200 मिली ऑस्मोल, कॉर्टेक्स में 300 है, मेडुला आते आते 1200 मिली ऑस्मोल कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है। अगला जो सबसे फेमस क्वेश्चन है जो नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है, जी हाँ, कि कॉन्सेंट्रेशन में मेनली कौन से कंपाउंड अपना रोल प्ले करते हैं, तो आप बोलेंगे बेटा NaCl और यूरिया, इन्हीं का एक्सचेंज होता है। NaCl यूरिया इज द मेन कंपाउंड, मेन ग्रेडियंट विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। बात आ गया समझ में। अब अगला आप समझ लीजिए, मैं आपको बड़ी आसानी से ट्रिक के साथ समझा दूंगा, बड़ी आसान वाली बात है। क्या मैंने आपको क्या बोला बेटा कि डिसेंडिंग लिंप है और ये आपका असेंडिंग लिंप है हेनले लूप का, ठीक है, जरा बात को समझिएगा, ये आपका असेंडिंग और ये आपका डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग से क्या निकलता है बेटा, वाटर निकलता है, और असेंडिंग से क्या निकलता है, NaCl निकलता है। इतनी बात याद रखो बस, बाकी सब बातें भूल जाओ, इतनी बात याद रखो। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि NaCl निकल गया कहाँ से, असेंडिंग लिंप से निकल गया, ठीक है सर, निकल गया, गया कहाँ, हवा में चला गया, नहीं, कहाँ जाएगा, ब्लड में, ब्लड में कौन लेके जाएगा, मोटरसाइकिल में जाएगा, नहीं, तो ब्लड में कोई तो लेके जाएगा, जो ब्लड वेसल्स वो लेके जाएगी, और ब्लड वेसल्स कौन सी है, वासा रेक्टा, कौन है, वासा रेक्टा। तो बेटा NaCl निकला कहां से, नहीं समझे यार बात को, दोबारा समझो नालायक को, मैं तुम्हें समझाता हूं, इधर दो ध्यान, इधर ध्यान दो, दोबारा समझना इस बात को, बड़ी सिंपल भाषा में तुम्हें काउंटर करंट समझ में आ जाएगा, और रामायण पढ़ने की काउंटर करंट में जरूरत नहीं है, तुम्हें नीट में रामायण नहीं पूछता, MBBS में रामायण पूछता है, यहां नहीं पूछेगा। इधर देखो मैं तुम्हें बताता हूं, बहुत चुटकी में बात तुम्हें समझ आ जाएगी, तुम्हें जीवन भर याद रहेगा, बस एक लॉजिक याद रख लो, कौन सा वाला लॉजिक याद रखना है सर, एक ही लॉजिक याद रखना है बेटा, क्या, कि ब्लड में पहुंचाना है, अब ब्लड में कौन पहुंचाएगा, वासा रेक्टा, की वासा रेक्टा खुद ब्लड वेसल्स है, ठीक है। अब सुनिए आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बच्चे ध्यान देना, इधर मैं बना रहा हूं बेटा किसको, इधर मैं बना रहा हूं, ये तो है बेटा मेरा वासा रेक्टा, मैं पहले आपको बोल रहा हूं रेड कलर से बनाया मैंने वासा रेक्टा, अब ध्यान लगाना इस पर, इस पर कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा, चुपचाप पढ़ेगा, ये वासा रेक्टा है और ये बेटा आपका हेनले लूप। आपको जीवन में कभी भी आप काउंटर करंट नहीं भूलने वाले हैं, नहीं भूलेंगे आप, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दो मेरी बात पर। मैंने बेटा आपको क्या बोला कि ये डिसेंडिंग लिंप है और ये असेंडिंग लिंप है, ठीक है, और इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या याद रखना है, इसका उल्टा देखो, वासा रेक्टा का ये डिसेंडिंग लिंप है और ये वासा रेक्टा का असेंडिंग लिंप है, ठीक है, असेंडिंग मतलब ऊपर जा रहा है, डिसेंडिंग मतलब एरो नीचे लगा हुआ है, ठीक है। असेंडिंग लिंप का काम क्या है, NaCl को बाहर निकाल, NaCl बाहर निकाल दिया, तो NaCl बाहर निकाला तो गया कहां, तो बेटा ये NaCl एक्सचेंज होता है, क्या होता है, एक्सचेंज किसके साथ, किसके साथ, वासा रेक्टा के साथ, कौन से के साथ, वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिंप। तो आप क्या समझे, आप ये समझे कि असेंडिंग लिंप ऑफ हेनले लूप, असेंडिंग लिंप ऑफ हेनले लूप एक्सक्रीट NaCl, NaCl एक्सक्रीट करता है और वो NaCl देता किसको बेटा, डिसेंडिंग लिंप ऑफ वासा रेक्टा को देता है। यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं, असेंडिंग लिंप ऑफ हेनले लूप विच इज एक्सचेंज, मतलब ट्रांसपोर्ट किया तो विच एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिंप ऑफ द वासा रेक्टा, कि NaCl इसमें जा रहा था और इसने ऐसे NaCl बाहर निकाला और NaCl ब्लड में चला गया, ब्लड का मतलब वासा रेक्टा में चला गया, उसके डिसेंडिंग लिंप में चला गया। और आपको जैसा कि पता ही है, क्या पता है आपको, कि मान लीजिए भाई इसके पास यहाँ NaCl आ गया, यहाँ पे क्या NaCl है, तो बेटा NaCl कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो डिसेंडिंग लिंप ऑफ वासा रेक्टा में चला गया NaCl, डिसेंडिंग से बेटा वो असेंडिंग में भी तो जाएगा, तो डिसेंडिंग से ये जो NaCl है ये कहाँ चला जाता है बेटा, असेंडिंग में चला जाता है, असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा में चला जाता है, और वहां से कहाँ जाता है बेटा, इंटरस्टीशियम, इंटरस्टीशियम क्या है, अरे जहाँ बीच में जो गैप है, जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है उसमें चला जाएगा बेटा, वहां चला जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं जाता, कैसे जाता है, दोबारा समझ लो, असेंडिंग लिंप ऑफ हेनले लूप, ये असेंडिंग लिंप ऑफ हेनले लूप है, इसमें से NaCl बाहर निकला, बाहर निकला तो ऐसे बह नहीं गया, बाहर निकला, इधर कौन है, ये असेंडिंग लिंप है, ऐसे इधर वाली कौन है, डिसेंडिंग है, इसका समझ लीजिए आप, ये असेंडिंग लिंप है और ये असेंडिंग लिंप ऑफ हेनले लूप है, दिस इज डिसेंडिंग लिंप ऑफ वासा रेक्टा, इसमें से NaCl निकला, कहां गया, डिसेंडिंग लिंप ऑफ वासा रेक्टा में गया, हवा में नहीं गया, इसमें से निकल के इसमें घुस गया, इसमें वासा रेक्टा इनके ब्लड में चला गया, ब्लड वेसल्स में चला गया, राइट। और अब ये
जो डिसेंडिंग है अपने पास नहीं रखेगी, डिसेंडिंग आगे अपने खुद के असेंडिंग को भेजेगी। तो डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा अपने खुद के असेंडिंग को भेजेगी, असेंडिंग उसको इंटरस्टीशियल स्पीड फ्लूइड में डाल देगा, इंटरस्टीशियल स्पेस में डाल देगा। बात आया समझ में? तो वापस एनएसीएल इंटरस्टीशियल स्पेस में ही आ गया। समझ आ गई बात? ये बात आपको याद रखनी है कि एनएसीएल को वापस इंटरस्टीशियल में कौन डालता है? असेंडिंग। कहां से लिया उसने? डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा से लिया। और डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा ने वासा रेक्टा को उसने दिया, असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेल ने दिया। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। बात आया समझ में? राइट। अब असेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा को क्या बोला कि देता है? ये लेता नहीं है, बहुत कम लेता है। मतलब असेंडिंग लिम्फ में एब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है, एक्सक्रीशन ज्यादा होता है, निकालता ज्यादा है। इसने एनएसीएल निकाला, अब ये भाई यूरिया भी निकालेगा, भाई कम नहीं है किसी से, ये भाई सैल्मन भाई से बिल्कुल कम नहीं है। चलो इधर ध्यान दो, हैलेलुया। अब इसका असेंडिंग लिम्फ ध्यान देना, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी निकालता है, समझ रहे हो? तो कैसे निकालेगा? डायरेक्ट निकाल नहीं, इसके बाद यूरिया आना चाहिए पहले। तो बेटा स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया किसमें आ गया? असेंडिंग लिम्फ में आ गया, उसके थिन सेगमेंट में आ गया। लेकिन इसको यूरिया पहुंचाना है। अब ये यूरिया बेटा एंटर करेगा किसके अंदर? असेंडिंग लिम्फ के अंदर। लेकिन ये यूरिया को वापस भेज देगा इंटरस्टीशियल में, डायरेक्ट नहीं, किसके थ्रू? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के थ्रू। कैसे सर? दिखाओ थोड़ा डायग्राम में, हम दिखाते हैं आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाते हैं आपको कैसे। देखो ये इसका बेटा थिन सेगमेंट है, ध्यान से समझिएगा बात को, समझिएगा, ये इसका थिन सेगमेंट है, थिन सेगमेंट। इन थिन सेगमेंट में क्या आया? यूरिया आया। और ये यूरिया बेटा किसमें चला जाएगा? डीसीटी में चला जाएगा, क्या बोलते हैं? सीटी में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? सीटी में चला जाएगा, सीडी में चला जाएगा। तो दो बातें आपको याद रखनी है जीवन में, कौन कौन सी बातें याद रखनी है मैं आपको यहाँ शॉर्ट करके बता देता हूँ इन बातों को, और आपके इस डायग्राम को समझा देता हूँ जो तुम्हें थोड़ा सा टफ लगता है। अभी डायग्राम तुम कभी नहीं भूलोगे, आई होप सो, समझिएगा। दोबारा मैं आपको काउंटर करंट बता रहा हूँ कि काउंटर करंट नालायक बच्चों को कम समझ आता है, अब तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा, मैं भी बताने जा रहा हूँ, घबराओ मत, डरो मत, ठीक है? मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कोई नहीं डरेगा, हेलमेट पहन के चुपचाप बैठे रहो क्लास में, सुनो मेरी बात। देखो इस भाई साहब ने निकाला एनएसीएल, आपको सबको पता है कौन है ये? असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले लूप है, आप सब लोग जानते हैं। एनएसीएल निकाला, निकाला। अब ये एनएसीएल कहाँ जाएगा? हवा में जाएगा? नहीं, ये एनएसीएल, इसके ऊपर कौन बैठेगा? ये इसके ऊपर है, जो डायग्राम में दिख रहा है वासा रेक्टा, इसके ऊपर ही तो है। तो ये एनएसीएल बेटा कहाँ एंट्री लेगा? कहाँ एंट्री लेगा? डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा में एंट्री लेगा। और यहाँ से ये एनएसीएल कहाँ चला गया? असेंडिंग लिम्फ, असेंडिंग लिम्फ से निकल के बेटा ये स्पेस में आ गया। इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा इंटरस्टीशियल स्पेस कह लीजिए आप इसको। इसमें आ गया एनएसीएल, आ गया, समझ आ गई बात। यूरिया नहीं समझ आया, यूरिया भी समझ लो। देखो इसको रिसीव होता है यूरिया, तो बेटा जो यूरिया है, ये यूरिया किसके पास चला जाएगा? ये यूरिया बेटा देखा, ये रहा, ये यूरिया किसके पास चला गया? सीटी के पास चला गया, सीडी के पास। सीडी ने यूरिया किसको दे दिया? इसको नहीं दिया, यूरिया इंटरस्टीशियल को दे दिया। तो बात समझ में आ गया आपको? अब काउंटर करंट समझ आ गया, काउंटर करंट समझ आ गया सबको? किडनी बेटा प्रोटीन को बाहर नहीं निकलता मेरे बच्चे, प्रोटीन अमीनो एसिड को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यदि किडनी बाहर यूरिन में आ रही है तो फिर दिक्कत है, इसका मतलब किडनी पर खतरा है, किडनी में बीमारी है, तभी किडनी बाहर निकाल रही है बेटा प्रोटीन को। नॉर्मल किडनी प्रोटीन को बाहर नहीं निकालेगी, ठीक है ना? चलो अब आपको मैंने काउंटर करंट बखूबी समझा दिया है, प्यार से समझा दिया है, क्वेश्चन यही आता है। अब इसलिए बात समझ लीजिए कि हेनले लूप, हेनले लूप होता है बेटा एक्सचेंजर। क्या होता है? एक्सचेंजर, ये होता है मल्टीप्लायर। तो एक काउंटर करंट मैकेनिज्म में दो पार्ट होते हैं, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा, दो पार्ट तुमसे पूछेगा नहीं, मैं नीट पीजी को पढ़ाने बैठेगा तुम डर के भाग जाओगे। चलो अब अगली बात समझो बेटा, ये बात तुमने समझ आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब चलिए ह्यूमन किडनी जो है हमारा चार गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट यूनिट बनाती है, कितना? फोर टाइम ज्यादा यूनिट बनाती है। ओके चलिए जी, ओके। अब है बेटा आपका रेगुलेशन ऑफ किडनी, अब तो ज्यादा नहीं बचा है, अब तो ये तो मैच्योरेशन बता है, तो आसान है यार, रोल ऑफ किडनी, बीमारियां कुछ नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, बस 30 मिनट और दे दो, बस 30 मिनट दे दो। ओके थैंक यू मिस्टर पांडा, गॉड ब्लेस यू, अच्छा एग्जाम हो आपका, ठीक है। चलिए अब बेटा ज्यादा नहीं बचा, अब बचा है आपका रेगुलेशन ऑफ किडनी। ये तो मैं तुम्हें यूं समझा दूंगा, यूं चुटकी में समझा दूंगा, चिंता नहीं करिए आप, ये तो मैं तुम्हें चुटकी में समझा दूंगा। ये लो तुम अभी समझ लो, इधर ही समझा देता हूँ मैं तुम्हें, बहुत बेहतरीन बात समझा देता हूँ तुम्हें, बहुत मजा आएगा। ये बेटा नहीं कर सकता मेरे बच्चे, प्लाज्मा प्रोटीन को भी नहीं कर सकता। राहुल पहले पढ़ा दिया, तुम लेट आए हो क्लास में शायद, राहुल बेटा पहले ही पढ़ा दिया था ये, तुम क्लास में आयो नालायक, लेट मेरे बच्चे, हमने पहले ही पढ़ा दिया था, ठीक है। चलो अब ध्यान दीजिएगा,
अब मैं आपके सारा रेगुलेशन ऑफ किडनी अभी समझा देता हूँ चुटकी में, आपको जिंदगी भर याद रहेगा, घबराए नहीं आप, ठीक है? चल लीजिए बच्चों, होता क्या है जरा बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या? रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन इज मेंटेन्ड बाय पहला ऑप्शन आता है बेटा लंग्स, दूसरा ऑप्शन आता है बेटा हार्ट, तीसरा ऑप्शन आता है बेटा हाइपोथैलेमस, और चौथा ऑप्शन आता है बेटा ऑल ऑफ दीज। तो क्या करोगे, पहली बार मैं आपका आंसर जानना चाहूंगा, अपने विचार बताइए क्या करोगे बेटा। अरे मेरे छोटे बच्चों, इधर जवाब दो। शबनम, प्रीति चौधरी, सीनू, ज्योति, अंजलि, सोनम, तान्या, खालिद, नफीस, सोनम, अंजलि चौहान, पीहू, शरीता, अबूजर, अरे नालायक उधर ध्यान दो, सुधीर, पीहू, कृतिका, प्रीति, नफीस, हैदर, गगन, अंजलि, राहुल, अमीन, इधर ध्यान दे बेटा, इधर ध्यान दे मुन्ना, शरीता, इधर ध्यान दो बेटा, हिमांशु, बेटा रुक जा, पांडा, फिनाइल कीटोन यूरिया बताएंगे बेटा, रुक तो सही, फिनाइल कीटोन यूरिया जेनेटिक्स में आता है, यहाँ क्या पूछ रहा है? यस, नेचर लवर हिमांशु आदिनाथ, बेटा सही आंसर क्या है, है? हाँ, वेरी गुड जसमैन, चलो बेटा इसका सही जवाब है बेटा ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर है बेटा? ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर। खाले सही आंसर क्या है बेटा? ऑल ऑफ दीज है। बात समझ में आ गया? राइट बेटा, ऑल ऑफ दीज, लंग्स बिल्कुल सही, हार्ट बिल्कुल सही, हाइपोथैलेमस बिल्कुल सही। कैसे सर, कैसे कुछ बताओ, मैं बताता हूँ। हाइपोथैलेमस बेटा, हाइपोथैलेमस क्या बनाता है आपको याद आ रहा होगा, ADH। ADH कहां से निकला? हाइपोथैलेमस से। हार्ट से क्या निकला? ENF, एट्रियल नेटरिक फैक्टर। लंग से क्या निकला बोलो? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये लंग से निकला। ठीक है, अब समझ आ गया? चलो इसलिए तीनों का रोल, आगे क्या रोल है मैं आपको बताता हूं, ठीक? सुनिए मेरी बात। व्हेन योर बीपी इज लो, व्हेन योर बीपी इज लो, देन एज ए डॉक्टर वी थिंक अबाउट लो GFR, लो GFR, बिकॉज लो ब्लड इनपुट, ब्लड भी कम आएगा क्योंकि बीपी कम है, राइट? राइट, लो GP, लो GFR है, लो बीपी है, और लो बीपी है तो बेटा क्या होगा? लो बीपी होगा तो क्या होगा, आपको डेथ भी हो सकती है, डेफिनेटली लो बीपी है, इस्चीमिया होने के चांसेस है, इस्चीमिया होगा तो बेटा डेथ होने के चांसेस हैं, क्योंकि ऑर्गन के फेल होने के चांसेस हैं, ऑर्गन फेलियर के चांसेस हैं, आपकी डेथ हो सकती है। तो हमारी बॉडी पागल तो नहीं है, हमारी बॉडी ध्यान रखती है, क्या याद रखती है बेटा, ध्यान दो, हमारी बॉडी कंपनसेट करती है, हमारी बॉडी में सिस्टम तो है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, सुनिए बात को समझिए, हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी क्या करती है बेटा, लो बीपी हुआ मतलब लो GFR हुआ, राइट? लो GFR, तो बेटा जैसे लो बीपी लो GFR होता है ना, तो हमारी बॉडी का एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उसे कहते हैं बेटा रास सिस्टम, क्या कहते हैं? यस, लो GFR। उससे क्या हुआ, ये बेटा स्टिमुलेट करता है, क्या करता है? स्टिमुलेट कौन सा सिस्टम? रास सिस्टम, रास, रास सिस्टम, रास सिस्टम क्या होता है सर? आर का मतलब आर फोर रेनिन, ए मतलब, हाँ जी, एंजियोटेंसिन, वेरी गुड, अनदर ए मतलब एल्डोस्टेरोन, वेरी गुड, और एस का मतलब,
हाँ जी, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, इसका मतलब सिस्टम, इसका मतलब सिस्टम कैसे काम करेगा अभी बताते हैं आप कैसे काम करता है। ध्यान दीजिएगा बेटा कि ये जो एंजियोटेंसिनोजन निकलता है सबसे पहले, ये रास मैं आपको लिख रहा हूँ, रास जो मैकेनिज्म है मैं समझाता हूँ आपको, एंजियोटेंसिनोजन इसका होता है बेटा हाई मॉलिकुलर मास, ठीक है, ये बदलता है बेटा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, कौन बदलता है सर, रेनिन बदलवाता है, रेनिन कहाँ से निकला, फ्रॉम जे जी एपेरेटस, कहाँ से निकला बेटा, जे जी एपेरेटस ऑफ किडनी, किडनी की जे जी एपेरेटस से कौन निकला, रेनिन निकला, क्या हुआ एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन क्या है, वीक कॉन्स्ट्रक्टर, वैसो कॉन्स्ट्रक्टर, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रक्ट तो करेगा लेकिन वीक है ठीक है। इसके बाद क्या होगा, एंजियोटेंसिन जो फर्स्ट है वो एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल जाएगा, कौन बदलवाएगा सर, ए सी ई, ये क्या होता है, इसे कहते हैं एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम, कन्वर्टेज एंजाइम सर, ये कहाँ से निकलता है, सोर्स ऑफ एजीआई, एसी निकलता है बेटा लंग से सर, लंग्स में भी कहाँ से निकलता है, एल्वोलाई से सर, एल्वोलाई में भी कहाँ से निकलता है, नोमेटोसाइट से, नोमेटोसाइट से निकलता है, ब्रोंकस से निकलता है, ब्रोंकस की सेल से भी निकलता है, दोनों से निकलता है वैसे नोमेटोसाइट, वो तो मैं तुम्हें पूरा बताता भी नहीं, नोमेटोसाइट से निकलता है ठीक है, बात समझ में आ गया, एंजियोटेंसिन सेकंड, ऐसा क्या होता है बेटा लॉ मॉलिकुलर मास रहता है, और क्या है ये है बेटा आपका पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, और पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो बेटा ये बीपी को बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा ठीक है। अच्छा अब एक बात समझना कि रेनिन ने यहाँ तो काम किया ही, साथ में बच्चों क्या कराता है, ये आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स पर भी काम करता है, किस पर, एड्रेनल कॉर्टेक्स पर, और एड्रेनल कॉर्टेक्स से क्या निकलवाता है ये एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन कराता है, सोडियम वाटर का रिटेंशन, जब भी आपको चक्कर आते हैं, जब भी आप कमजोर फील करते हैं और आपको चक्कर आता है तो क्या बोलते हैं, जाओ नमक और चीनी का घोल पी लो, बीपी लो है नमक का घोल पी लो बोलते हैं ना, क्यों, क्योंकि बेटा एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर को ही रिटेंट करा रहा है, किसके अंदर, बॉडी के अंदर, बात आया समझ में, राइट। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो रास है, रास 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 में क्या क्या इन्वॉल्व है, तो रास में बेटा आपकी किडनी इन्वॉल्व है, बिल्कुल है, आपका लीवर प्रोटीन इन्वॉल्व है, लीवर प्रोटीन, अरे लीवर प्रोटीन कहां से आ गई, एंजियोटेंसिन बेटा, एंजियोटेंसिनोजन जो पढ़ते हैं ना पर, ये एंजियोटेंसिनोजन ऊपर से उतर के नहीं आई बेटा, ये लीवर से आई है, एंजियोटेंसिनोजन लीवर से आती है, किडनी इन्वॉल्व है, लीवर इन्वॉल्व है, लंग्स इन्वॉल्व है, और आपके एड्रेनल एड्रेनल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है, क्यों, किडनी ने क्या निकाला, रेनिन निकाला, लीवर ने क्या निकाला, एंजियोटेंसिन, लंग्स ने क्या निकाला, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और एड्रेनल कॉर्टेक्स ने क्या निकाला, एल्डोस्टेरोन। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा रोल है, बात समझ आ गया हैं, बहुत बढ़िया, कल लिया था सर ने मेरा नाम, वेरी गुड आई एम विशु, बहुत बढ़िया बेटा ठीक, यस। आप सुनिए मेरी बात, अब आप सोचिए कि ये जो रास जो है, रास ये रास क्या कर रहा है बेटा, बीपी को बढ़ा रहा है, राइट, बट एक बात याद रखें आप, इफ बीपी कंटिन्यूअस इंक्रीज, ओके, देन हाई बीपी कैन डैमेज किडनी, किडनी को डैमेज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्यों, कैसे, कि बेटा रीनल जो वेसल्स है, रीनल जो वेसल्स है सो क्या कर देगा, बस्ट कर देगा, रीनल वेसल्स को बस्टिंग हो जाएगी, फट जाएगी वेसल, राइट, तो कोई तो है जो बीपी के लिए आएगा, कोई तो है, मेरे करण अर्जुन आएंगे,
तो वही है कि जैसे बीपी बढ़ेगा तो बीपी को काउंटर करने के लिए कोई तो आएगा। क्यों, कहां से आएगा? हार्ट से। हार्ट से ही क्यों आया? इसकी वजह है कि ज्यादा बीपी होगा, ज्यादा ब्लड हार्ट पे आएगा, राइट एट्रियम पर। राइट एट्रियम खिंचेगा, स्ट्रेच करेगा, स्ट्रेच करेगा तो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। और राइट एट्रियम की वॉल क्या निकालती है बेटा? क्या निकालती है? ईएनएफ। क्या निकालती है? ईएनएफ। ईएनएफ क्या है? एट्रियल न्यूट्रेटिंग फैक्टर। इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन। इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन विच इज सीक्रेटेड बाई वॉल ऑफ एट्रिया। वॉल ऑफ एट्रिया व्हेन हाई बीपी स्ट्रेच स्ट्रेच द मसल फाइबर ऑफ एट्रिया। जब एट्रिया की मसल फाइबर को हाई बीपी जब स्ट्रेच करता है, क्या करता है? स्ट्रेच करता है, तब निकलता है बेटा ईएनएफ। क्या निकलता है? ईएनएफ। ईएनएफ इज वैसो डायलेटर। वैसो डायलेटर। सो इट इज एंटागोनिस्ट ऑफ रास सिस्टम। रास का एंटागोनिस्ट है। हेलो करण, हाउ आर यू? यस पीयू, शरीता, समझ आया बेटा? एंटागोनिस्ट है। अब सुनना मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो तुम गलत करोगे। जी हाँ, मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? मैं आपसे क्या दे रहा हूं? क्वेश्चन। ईएनएफ, ईएनएफ पहला ऑप्शन रिलीज फ्रॉम हार्ट एंड डिक्रीज बीपी। दूसरा रिलीज फ्रॉम हार्ट एंड डिक्रीज बीपी अप टू नॉर्मल। चौथा इट इज अ स्टेरॉयडल हार्मोन। चौथा बोथ टू एंड थ्री आर करेक्ट। ध्यान लगाइएगा, क्वेश्चन बहुत तगड़ा है बेटा, क्वेश्चन बहुत तगड़ा है वीरेंद्र जी। एंटागोनिस्ट टू रास आता है बेटा, बिल्कुल आता है। रास का एंटागोनिस्ट ईएनएफ होता है। पीहू, प्रीति, मेरे बात को समझिएगा। मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं ना, क्वेश्चन में हिल जाएंगे आप, क्वेश्चन में हिल जाएंगे। पहला ऑप्शन ईएनएफ के बारे में, रिलीज फ्रॉम हार्ट डिक्रीज बीपी। सेकंड ऑप्शन रिलीज फ्रॉम हार्ट डिक्रीज बीपी अप टू नॉर्मल। और थर्ड इट इज स्टेरॉयडल हार्मोन, स्टेरॉयड का बना होता है। और चौथा बोथ टू एंड थ्री आर करेक्ट। टू एंड थ्री देखा नहीं और बोथ करने लग गए, नालायक। अबे नालायक, सही जवाब तो दे दो हैं? गलत जवाब काहे दे रहे हैं? बहुत बढ़िया, अबूजर कादरी। अबूजर कादरी नेचर लवर, रागनी यादव, है ना वीरेंद्र जी? इन बच्चों का सही जवाब आया है, बाकी नालायक तुक्के लगा रहे हैं। सही जवाब है सेकंड। अगर नालायकों डिक्रीज बीपी, अगला ऑप्शन है डिक्रीज बीपी अप टू नॉर्मल। डिक्रीज तो करेगा लेकिन इसको नॉर्मल तक लेके आएगा। अभी बढ़ाया, इस भाई साहब ने डिक्रीज कर दिया, पागल है? तो फिर हमने मैकेनिज्म क्यों चलाई कि बड़े घटे को बढ़ा दे और बड़े को नॉर्मल ला दे। भाई नॉर्मल करने के लिए यार, तो फिर ये स्टेरॉयड नहीं होता मेरे बच्चे, ये पेप्टाइड हार्मोन है। तो ये आंसर गलत है, आंसर थर्ड है, सॉरी सेकंड है। नाला कहेंगे। हेलो आरती जी, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। समझ आ गई बात? क्वेश्चन कंफ्यूजन करते हो सर, नॉर्मल लिख के
नालायक, वो नीट का फेमस क्वेश्चन है। सेकंड आंसर है उसका, हाँ गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए आगे चलिए। अब इतना आपका हो गया, ये किडनी वाला मैंने पूरा आपको मैं बता जा चुका हूं, उसमें कुछ नहीं बचा। आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, ओके सो डोंट वरी। रास वास सब बता चुका हूं मैं, बिला 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 टोटल। अब आ जाइए मैच्योरेशन पर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए मैच्योरेशन एक कैसा प्रोसेस है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री या दोनों। तो पहली बात करेंगे कि वॉलेंट्री है। कैसा प्रोसेस है? वॉलेंट्री प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट बात क्या, ये जो यूरिनरी जो ब्लैडर होता है, समझिएगा मेरी बात को, इसमें यूरेटर आ रहे हैं तो जो ब्लैडर जो होता है ना बेटा, ब्लैडर में पाए जाते हैं इंस्पेक्टर। क्या पाए जाते हैं? इंस्पेक्टर। दो इंस्पेक्टर होते हैं इसके, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो इंस्पेक्टर वो नालायक है तुम्हारी तरह, वो इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री। और एक्सटर्नल होता है बेटा वॉलेंट्री, राइट। लेकिन मैच्योरेशन अपने आप में एक रिफ्लेक्स है, ठीक है? हाँ, अभी मैच्योरेशन क्या है? रिफ्लेक्स है। इंटरनल तो इनवॉलेंट्री और एक्सटर्नल वॉलेंट्री है, ठीक है? इसमें मसल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मसल, डेट्रूसर मसल, डेट्रूसर मसल पाई जाती है। और डेट्रूसर मसल में तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। और इंस्पेक्टर में क्या होता है? रिलैक्सेशन, तब जाकर के यूरिन बाहर आता है। डेट्रूसर में कॉन्ट्रैक्शन, इंस्पेक्टर में रिलैक्सेशन। गॉट इट? हाँ सर, आप मीमर हैं। हाँ बिल्कुल हैं आरती जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे तो ध्यान दीजिए, आप ही पढ़िए थोड़ा इसको। चलिए, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसका नाम है डेट्रूसर। या लिख दिया मैंने स्मूथ मसल, कौन सी आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है, डेट्रूसर नाम है उसका। इंस्पेक्टर रिलैक्स होते हैं तब जाके यूरिन बाहर आता है, उसे कहते हैं मिक्चुरेशन। और ये रिफ्लेक्स है, इट इज द न्यूरल कंट्रोल होता है, रिफ्लेक्स होता है, ओके? कितना यूरिन बाहर निकलता है? 1 टू 1.5 लीटर पर डे इतना यूरिन बाहर निकलता है। और यूरिन का कलर कैसा होता है? लाइट येलो। पीएच कितना होता है? लगभग 6.8 के आसपास। और एनसीईआरटी 6 मानती है, 6 मान लीजिए, एसिडिक है, एनसीईआरटी 6 मानती है, ठीक है, इट्स ऑल ओके। कितना यूरिन बाहर निकलता है? 25 से 30 ग्राम पर डे, एक बार में नहीं, 25 से 30 ग्राम पर डे यूरिन बाहर निकलता है। बात आया समझ में? राइट। तो बेटा यूरिन का क्या क्या काम है अभी आपको बताऊंगा। ग्लाइकोसूरिया, कीटोनूरिया क्या होता है? एक मिनट, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया ना लाइट। चलिए आगे चले। आप देखो यूरिन को अपन क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं। तो बच्चों यूरिन का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने यूरिन कल्चर कराया होगा या आपने यूरिन टेस्ट कराया होगा, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, ग्लाइकोसूरिया है ना, क्यूटोन्यूरिया, सब मैं बताता हूँ मैं तुम्हें। सुनो मेरी बात सुनो, जो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, तो डायबिटीज के पेशेंट में बेटा क्या हो जाता है? रेनल बीमारी हो जाती है, किडनी की बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है? किडनी की उसको बीमारी हो जाती है। उसको बीमारियाँ बहुत होती है, आँखों की बीमारियाँ होती है, किडनी की बीमारी होती है, हार्ट की बीमारी होती है। लेकिन होता क्या है कि इन डायबिटिक जो पेशेंट होता है ना, इन डायबिटिक पेशेंट आपको क्या नजर आएगा, ठीक है? क्या क्या नजर आता है? एक तो होता है बेटा ग्लाइकोसूरिया, एक होता है कीटोन यूरिया, एक होता है हिमेचूरिया, एक होता है प्रोटीन यूरिया। ये सब टर्मिनोलॉजी आपसे पूछ लेता है, ठीक है? ग्लाइको मतलब होता है बेटा ग्लूकोज इन यूरिन, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज को तो 100% पीसीटी ने रिऑब्जर्व कर लिया, तो ग्लूकोज नहीं होना चाहिए यूरिन में, लेकिन है मतलब डायबिटीज है, ठीक है? ग्लूकोज आ गया यूरिन में। कीटोन बॉडीज, बेटा कीटोन बॉडीज मेटाबॉलिज्म में बनती है, तो कीटोन बॉडीज नहीं आनी चाहिए, कीटोन बॉडीज नहीं आनी चाहिए, ओके? तो कीटोन बॉडीज इन यूरिन नहीं आनी चाहिए, आ रही है मतलब डायबिटीज है। हिमेचूरिया मतलब ब्लड, आरबीसी, आरबीसी कास्ट्स, या ब्लड मान लीजिए सीधी सीधी भाषा में, ब्लड इन यूरिन नहीं आना चाहिए, हिमेचूरिया। प्रोटीन, एल्बुमिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन,
ये सब यदि किसमें आ रही है यानी यूरिन, तो उसे कहेंगे प्रोटीन यूरिया। ये सब नहीं आना चाहिए, दीज ऑल आर एबनॉर्मल, ऑल आर एबनॉर्मल, ये सब एबनॉर्मल है, ये आपके नॉर्मल मरीज के नहीं आएगा, ये डायबिटिक वाले पेशेंट के आएगा। समझ आया बात को? इसे कहते हैं बेटा डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इट इज कॉल्ड डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी कि डायबिटीज वाले मरीज को किडनी की बीमारी होती है उसे कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटीज वाले मरीज को हार्ट की भी बीमारी होती है उसे कहते हैं डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी, और डायबिटिक वाले मरीज को आंख में भी बीमारी होती है रेटिना में उसे कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। वो सब डायबिटीज के रिलेटेड बीमारियां होती है, डायबिटीज से बहुत बीमारियां होती है, ठीक है। चलो, डायबिटीज एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है, डायबिटीज में पेशेंट का जो पूरा बॉडी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो कमजोर हो जाता है और उसको बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं, राइट। तो यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मल जो ब्लड शुगर है वो आपका कितना होना चाहिए, बिलो 120 होना चाहिए, बिलो 120 आपका होना चाहिए, और आपने खाना खा लिया तो आपका बिलो 180 होना चाहिए, ठीक, राइट। यदि 180 से आपको ऊपर जा रहा है तो रीनल थ्रेशोल्ड ज्यादा हो जाएगा, और तो थ्रेशोल्ड कम हो जाएगा और आपका जो है ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, तो फिर किडनी को दिक्कत आएगी, फिर किडनी उसको रीअब्जर्व नहीं कर पाएगी, फिर उसको यूरिन में निकाल देगी, वो डायबिटिक पेशेंट को होता है, नॉर्मल बच्चों को नहीं होता है। अब समझिए, लास्ट पैराग्राफ बचा है, यहां से नीट से क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ, हमारे लंग्स ऑक्सीजन को बाहर निकालते, सॉरी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, CO2 बाहर निकालते, तो कितना CO2 बाहर निकालते हैं हमारे लंग्स, 18 लीटर per day। पुरानी एनसीईआरटी देखोगे तो क्या आंसर आएगा, 18 लीटर आएगा, नई एनसीईआरटी देखोगे तो आंसर 200 ml आएगा। तो याद रखना इस बात को, आप 200 ml पर मिनट बोल रखा है, यदि पर डे पूछे, क्या पूछे, पर डे हमारे लंग्स कितना CO2 निकालते हैं, तो आप आंसर करेंगे 18 लीटर, 18 लीटर। ये पुरानी एनसीईआरटी में था, ओल्ड एनसीईआरटी, इट इज न्यू एनसीईआरटी, ओके। चलिए, और क्या क्या है देखो, हमारा लीवर है, लीवर तो आपको पता ही है, बाइल है ना, बिलिरुबिन, बिलीबर्डिन, कोलेस्ट्रॉल है, बिला बिला बिला, बहुत सारी चीजें लीवर से निकल रही है, आप सब लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वेट और सेबेसियस ग्लैंड एंड स्किन क्या क्या निकालती है, सबसे बड़ा गलतफहमी है जो बच्चे गलत करके आ जाते हैं। जी हाँ, एनएसीआई निकालती है, हाँ, यूरिया निकालती है, हाँ, लैक्टिक एसिड, जी हाँ, तो लैक्टिक एसिड है बेटा, यूरिया है, NaCl है, ये सब आंसर आता है, गलत नहीं करना है, सिर्फ NaCl नहीं बोलना है, यूरिया भी बोलना है, लैक्टिक एसिड भी बोलना है, एक्सेस यूरिया इन ब्लड उसे कहते हैं यूरेमिया, ब्लड में एक्सेस यूरिया होता है, यूरेमिया कहा जाता है, बहुत हार्मफुल होता है, किडनी को फेल कर देता है, डैमेज कर देता है, इससे बेटा अपन क्या करना पड़ता है, फिर हीमोडायलिसिस करना पड़ता है। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, आर्टिफिशियल मशीन होती है जिसमें दो चैम्बर होते हैं, एक चैम्बर में तो क्या लेते हैं आपका, पेशेंट का ब्लड लेते हैं, किसका ब्लड लेते हैं बेटा, पेशेंट का ब्लड लेते हैं, और एक चैम्बर में क्या लेते हैं, सेम कॉन्टेंट एज ब्लड, ब्लड के जैसा ही कंटेंट लिया जाता है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन वेस्ट मेटेरियल, नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल उसमें नहीं होता है, इधर सब कुछ है सेम है जैसा ब्लड में होता है, इधर पेशेंट का ब्लड है, इधर भी ब्लड है, लेकिन इस ब्लड में जो मशीन के अंदर ब्लड है उसमें नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल नहीं है, यूरिया नहीं है, अमोनिया नहीं है, लेकिन यहाँ तो है, राइट। तो इससे इधर चला जाता है, मशीन तेज जाता है तो इससे बेटा ये इधर चला जाता है, कौन, क्यों, नाइट्रोजन वेस्ट तो इधर है, जिधर नहीं है उधर चला गया, बीच में क्या होती है, सेलाफोन की मेम्ब्रेन होती है, जैसे ब्लड निकालते हैं, जब ब्लड आप किससे निकालते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा कि ब्लड आपकी आर्टरी से निकालते हैं, और आर्टरी से निकालते हैं, ब्लड क्लॉट ना हो जाए उसमें क्या मिला देते हैं बेटा, एंटीकोगुलेंट हेपरिन मिला देते हैं, राइट। सेलाफोन की उसमें ट्यूब होती है, और बाद डीलाइजिंग फ्लूइड में जो है, डीलाइजिंग मशीन में, ये बहुत सारे मरीज है जो बेचारे डायलिसिस जिनका होता है, राइट, और मैंने आपको बताया था डायलिसिस में कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि रियल किडनी तो काम करती नहीं है, तो उसके अंदर जो फ्लूइड रहता है सब कुछ होता है, उसमें नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होता, इसलिए पेशेंट के ब्लड में से नाइट्रोजन वेस्ट उस मशीन के फ्लूइड में चला जाता है, तो मशीन में वेस्टेज चला गया और पेशेंट का ब्लड नाइट्रोजन फ्री हो गया, और हम उसे वापस उसकी वैन में डाल देते हैं, आर्टरी में से निकाला और वैन में डाल दिया, तो वापस उसकी वैन में डालते हैं, याद रखना एंटीपेरेंट मिलाया जाता है पहले, एंटीपेरेंट नहीं मिलाएंगे तो अंदर कॉगुलेशन के चांसेस होंगे, मरीज को हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है। तो आजकल बहुत अच्छी तकनीक है, बून है लोगों के लिए, जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत महसूस होती है उनको अपन किडनी ट्रांसप्लांट से पहले रीनल डायलिसिस कराते हैं, राइट। किडनी ट्रांसप्लांटेशन ये है कि बेटा जब आपकी किडनी दोनों ही फेल हो गई, दोनों किडनी आपकी फेल हो चुकी है,
अब किडनी आपकी बिल्कुल काम नहीं करेगा, अगर बीपी बहुत लो हो जाएगा। इसलिए बेटा क्या करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। हम कोशिश करते हैं कि आपसे क्लोज जो रिलेटिव है वही किडनी दे आपको, बहुत अच्छी बात है, रिजेक्शन खतरा कम हो। क्योंकि रिजेक्ट कर देता है बेटा हमारा इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का कौन, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट में कौन सी, टी किलर, या इसको कहते हैं बेटा टी साइटोटॉक्सिक, ये इसको मार देती है, रिजेक्ट कर देती है। कौन सी इम्यूनिटी कहते हैं इसको, सेल इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, राइट। इसलिए बच्चों हम इसको इम्यूनो सप्रेसेंट देते रहते हैं, साइक्लोस्पोरिन वगैरह इम्यूनो सप्रेसेंट देके रखते हैं, लंबे टाइम तक देते हैं, ठीक है। रिनल कैलकुलाइट बच्चों, रिनल कैलकुलाइट बेटा आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट की भी बनी होती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप की होती है। कैल्शियम ऑक्सीलेट जो होता है मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन जो होती है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है, ठीक है ना, राइट। इससे क्या होगा बच्चे, इसमें ये जो मास है ये क्या होगा, यूरेटर में अटक सकता है, कैलिक्स में अटक सकता है, और आपके यूरिन फॉर्मेशन को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। अलग है बेटा ग्लोमेरुलो नेफ्रेटेट, इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो स्लिट पोर होते हैं, क्या होते हैं बेटा, स्लिट पोर, राइट। तो स्लिट पोर क्या हो जाते हैं बेटा, वाइड हो जाते हैं, वाइडर हो जाते हैं, वाइडर हो जाते हैं, तो किडनी में से फिल्ट्रेशन में प्रोटीन बाहर आता है, ग्लूकोज बाहर आता है, उसकी इन्फ्लामेशन हो गई ना, राइट, उसे कहते हैं ग्लोमेरुलो नेफ्रेटाइटिस। बात समझ में आ गया सब बच्चों को, बात समझ आ गई, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, मैं मेरा मोबाइल लाया, वेरी क्लियर। सब बच्चों को बात समझ आ गया, तो ये आपका चैप्टर मैंने वन शॉट में करा दिया खत्म। जी हाँ दोस्तों, वन शॉट में मैंने आपका ये चैप्टर करा दिया खत्म, वन शॉट खत्म। बताइए किसी का डाउट है तो आप बताइएगा, सुधीर, यस, टेल मी योर डाउट, यस बेटा, आई हैव डन माय प्रॉमिस, जय श्माइन। मैंने कहा कि मैं मेरा वन शॉट खत्म कराऊंगा, तो मैंने मेरा वन शॉट खत्म करा दिया, कल 10 बजे फिर से तैयार रहें वन शॉट के लिए, और 7:30 बजे मेरी स्पेशल क्लास है, 7:30 बजे मेरी स्पेशल क्लास है बेटा, ठीक है। मैंने पूछा कि पोटेशियम का सिक्रेशन हो रहा है, ये लिखा है, लेकिन फिगर में पोटेशियम का पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, यह आपने सही जवाब दिया है बेटा, या आपने सही जवाब दिया, लेकिन बेटा कुछ पोटेशियम उसमें होना भी जरूरी है। सारा पोटेशियम यदि ब्लड में बाहर निकल जाएगा तब भी बेकार, और सारा पोटेशियम ब्लड में होगा तब भी बेकार, इसलिए उस लाइन में लिखा हुआ बेटा वो, ठीक है ना, राइट। चलिए जी सर, कल का चैप्टर बेटा 10 बजे से आपका वन शॉट है, कल आपका वन शॉट है एंडोक्राइन सिस्टम का वन शॉट है बच्चों, ठीक है, किडनी की फिल्ट्रेशन की बेटा, अदर डिजीज यही पूछता है आपसे, रीनल फेलियर किडनी यही पूछता है बेटा, ज्यादा आपसे पूछता नहीं है। सर मेरा नाम जैस्माइन है, हाँ जी पता है आपका नाम जैस्माइन है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप सुनिए बच्चों, राइट बच्चों, बेटा देखो जिन बच्चों को नहीं पता है ना बेटा, जिन बच्चों को नहीं पता है, डेली मेरी स्पेशल क्लास होती है, मेरी स्पेशल क्लास होती है डेली 7:30 बजे अनअकैडमी के ऐप पे, पता है नहीं पता आपको, नहीं पता ना, नहीं पता तो याद रख लो, डेली स्पेशल क्लास, डेली जो स्पेशल क्लास होती है, स्पेशल फ्री लाइव क्लास, जिन बच्चों को नहीं पता है वो होती है बेटा मेरी 7:30 PM पर, 7:30 बजे कहाँ होती है, अनअकैडमी के ऐप पर होती है, ऐप पर, कैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरी प्रोफाइल है बच्चों, ये रही, आप जब मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे देखो आप, यहाँ पर मेरी आपको दिख रहा है, ये मेरे प्लस कोर्स हैं, ये मेरे प्लस कोर्स हैं बच्चे, जब आप अनअकैडमी पर सर्च करेंगे, रमन पटेल, रमन सिंह, जो भी आप सर्च करेंगे मैं आपको मिल जाऊंगा। तो बच्चों यहाँ पर जाइए, फॉलो करिए, डेडिकेशन दीजिए, टीचर्स डे है, बहुत सारे बच्चों ने डेडिकेशन दिया है, ग्रोसा टू अ सुपर डॉक्टर, कूलेस्ट मेंटोर, स्टूडेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली नहीं लिख दे गई है, स्टूडेंट फ्रेंडली लिखा है इसने, वन ऑफ द बेस्ट टीचर एवर, यू आर द बेस्ट, हैप्पी टीचर्स डे सर, इसे बहुत सारे बच्चों ने विश किया है, आप भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर आप जब मुझे सर्च करेंगे तो आप मेरे शेड्यूल में जाइए, और जब मेरे शेड्यूल में जाएंगे तो आपको बेटा माई शेड्यूल में जाकर के मेरी क्लास यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ऑल राइट। तो आप मेरे प्रोफाइल को विजिट कर सकते हैं, सेशन को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी प्रोफाइल को विजिट करना नहीं भूलिए। और कल आपकी क्लास है बेटा 7:30 पर, जिन बच्चों को नहीं पता है 7:30 है, ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी के, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल फ्री है, टोटली फ्री है ये, टोटली फ्री, राइट, बिल्कुल फ्री क्लास है बच्चों, 100% फ्री क्लास है आपके लिए। कोड इसमें लगा देना है बच्चा, जब भी आप अनअकैडमी पर
प्लस ये आइकॉन निकला है पटेल 10 कोड लगा दो। जब पटेल 10 कोड जब आप लगाएंगे तो उससे आप मेरी मेंटरशिप में आएंगे, राइट। तो बच्चों ये पटेल 10 कोड यूज करना नहीं भूलें, मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना नहीं भूलें। और नया आइकॉन एक फीचर है आप सभी बच्चों के लिए जिसमें आपको लाइव डाउट सॉल्विंग मेंटरशिप फिजिकल नोट्स और प्लस के सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। एक कॉल आप दूर होते हैं आप डायरेक्ट आपको मेंटरशिप आप वहीं से बुक कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं। ये बच्चों मेरा प्लस बैच है, ये मेरा प्लस कोर्स है जिसमें मैं बच्चों को फीस लेके पढ़ाता हूँ। जी हाँ प्लस वाला, राइट। जो प्लस वाले बच्चे हैं, पेड वाले जो बच्चे हैं 2022 और 2023 वाले बच्चे, वो यहाँ पढ़ते हैं, राइट। उनको पढ़ाया जाता है यहाँ पर। और ये बच्चा, ये मेरा जो है मेरी प्रोफाइल, उसको आप फॉलो कर लीजिए। अरे बेटा बहुत सारे बैच चल रहे हैं, मेरा खुद का प्लस बैच चल रहा है। अपन एकेडमी के ब्रांडेड नोट्स आपको बिल्कुल फ्री पहुंचाए जाते हैं जब आप आइकॉनिक लेते हैं सेम कोड अप्लाई करने से पटेल टाइम, ऑल राइट। उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बेटा दोस्तों में शेयर करें, इससे आपको डिस्काउंट, जो भी फीस है आपकी फीस तो कम होती है। मैंने बेटा मेंटरशिप, आपको प्रॉपर मेंटर होना बहुत जरूरी है आपके सक्सेस के लिए। तो बेटा प्रॉपर मेंटरशिप आपको मेरे कोड से मिलती है, आप मेरी मेंटरशिप में रहेंगे और एग्जैक्टली नीट कैसे क्रैक करना है मैं आपको बेहतरीन तरीके से बता पाऊंगा, राइट किड। चलिए बेटा 2022 और 2023 का बैच कब से स्टार्ट होगा? रागनी सून, ऑल राइट। 22-23 का बैच बेटा जल्दी से आइए, ठीक है। चलिए अब जिन बच्चों को नहीं पता है बेटा क्वेश्चन कब होते हैं, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं क्यूज कराइए। बेटा क्वेश्चन होते हैं डेली 7:30 बजे। जिन बच्चों को क्वेश्चन करने होते हैं 7:30 PM डेली 7:30 PM स्पेशल लाइव क्लास होती है बेटा मेरी। रमन सर सर्च कर लो, सब रमन सर सर्च मत करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल दे रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है बेटा प्रोफाइल। डेली 7:30 बजे होता है, जिनको नहीं पता है। क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी बेस होते हैं, शानदार क्वेश्चन होते हैं, एकदम तूफानी क्वेश्चन होते हैं, जिनको नहीं पता है जरूर से आए। ये बेटा कोई भी आप प्लान ले सकते हैं आइकॉनिक का, सेम कोड अप्लाई करना है, दैट इज पटेल 10, ऑल राइट किड। जो प्लान आपको चूज करना है चूज करिए और बेटा कोड को यूज करके आप डायरेक्ट मेरी स्पेशल मेंटर ग्रुप में आ जाएंगे और जहां पर मैं बेहतरीन इंडियन डॉक्टर्स को मैंने डॉक्टर बनाया है, बहुत सारे डॉक्टर्स को बेटा मैंने डॉक्टर बनाया है, बहुत सारे नीट यूजी वालों को, राइट। तो आप भी बनेंगे, तो दवा कलेक्ट होगी और बेटा कोड यूज करिए पटेल 10 और इस पटेल 10 कोड को यूज करके आप ले सकते हैं 100% तक स्कॉलरशिप। जी हाँ दोस्तों, ये संडे को 11 बजे होता है मॉर्निंग में ये पेपर, ये स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसमें 7 केमिस्ट्री, 7 फिजिक्स, 7 बॉटनी और 7 जूलॉजी मात्र 28 क्वेश्चन आते हैं। 1 घंटा लगता है आपको क्वेश्चन करने में, 1 घंटे का मतलब आपको टाइम दिया जाता है, इस कोड से एनरोल करना है। जब आपके रैंक आती है 1-3 तो 1-3 रैंक वालों को इस कोड को लगाने से मिलता है 100% डिस्काउंट। रैंक आती है 4-10 इस कोड को लगाने से उनको मिलता है बेटा 70% डिस्काउंट। और यदि रैंक आती है आपकी 11-50 तो आपको मिलता है 50% डिस्काउंट। और यदि आपकी रैंक आती है 51-150 तो आपको मिलता है 25% डिस्काउंट इस पटेल 10 कोड को यूज करने से, राइट ना, राइट। तो बेटा कल क्लास यूट्यूब पर तो फिक्स है 10 बजे ही क्लास होगी। कितने बजे होगी? 10 बजे। और अनअकैडमी के ऐप पर कितने बजे क्लास होगी? जहां पर क्वेश्चन कराए जाते हैं, क्वेश्चन कराए जाते हैं। आप एक बार क्लास में आओगे, आप बार बार क्लास में आओगे, आप क्वेश्चन देखोगे ना, आप कहोगे वाह मजा नहीं आया, हाँ स्टूडेंट को डॉक्टर बनाया है, समझ रहे हो, हाँ जय श्री माई, सही कह रही हो तुम, ठीक है, राइट। कोड लगाने से इलेक्शन होगा क्या? नालायक, कोड लगाने से देखो स्कॉलरशिप मिलेगी, नालायक, फीस में कमी होगी, देखो मेंटरशिप मिलेगी। ये कोड यूज करोगे आप मेरी मेंटरशिप में आओगे, हाउ टू क्रैक नीट एग्जैक्टली, वो रास्ता जो हमने तय किया है उससे बेटा आपको हेल्प मिलेगी, समझ रहे हैं आप, राइट। इसमें आपका फायदा है बेटा। और ये जो फ्री जितने भी क्लास चल रही है, जहां पर आप मेरी क्लास में आते हैं कोड लगा के आए, बिल्कुल फ्री क्लास में आए, इसमें से क्लास सारी फ्री है, ठीक है। चलो तो बेटा ये क्लास आगे होगी आपकी खत्म, ऑल माय किड, कल आपसे मिलते हैं 7:30 PM पर स्पेशल क्लास के अंदर। और 10 बजे तो यहाँ डेली यूट्यूब पर मिलते ही हैं, 10 बजे आपको यहाँ से मिलते ही हैं, ठीक है बच्चों। चलिए जी, नालायक फेवरेट वर्ड है, बिल्कुल है। अबे आदिनाथ तेरा दिमाग खराब है क्या, बार बार कह रहा है क्वेश्चन कराओ क्वेश्चन कराओ। मैं बोल रहा हूँ कि नालायक क्वेश्चन मैं ऐप के अंदर कराता हूँ, डेली कराता हूँ, हैं तुम आते क्यों नहीं हो? पूरे 11th के क्वेश्चन मैंने ऐप के अंदर करा दिए, पूरे 12th के मैंने क्वेश्चन करा दिए, दोबारा 11th के करा दिए और दोबारा 12th के, आधे 12th के करा दिए, तो मैं नहीं पता। कल भी कुछ है, परसों भी कुछ है, डेली कुछ होती है, हैं? ध्यान दिया करो यार, तुम क्लास में आते नहीं हो और यहां कहते हो क्यूज करा दो क्यूज करा दो। अरे बेटा क्लास में आया कर, 7:30 बजे अनअकैडमी प्रोफाइल पे आया करो, ठीक है ना।
अनअकैडमी प्रोफाइल पे आना है, लेट्स क्रैक नीट यूजी पर। तो मैं यूट्यूब पर थ्योरी पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन कहाँ कराता हूँ, प्रोफाइल पे। समझ आ गया? चलिए, थैंक यू सो मच। अब आपसे मिलते हैं बेटा कल 7:30 पर। जिन जिनको क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन करने वाला सारे बच्चे मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लें कल 7:30 पर। ओके, क्यूज़ है आपका, क्यूज़ टुमारो एट 7:30 PM। कौन सा PM? 7:30 PM। किसका क्यूज़ है? बायोटेक्नोलॉजी। इसका क्यूज है 7:30 PM ऐप के अंदर, राइट? चलिए ठीक है, ठीक है सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। प्लीज बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, जोरदार सेशन को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल 7:30 PM पर सारे बच्चे मुझे अनअकैडमी ऐप में दिखने चाहिए, मेरी प्रोफाइल पे आकर के एकदम मंडराने चाहिए, सर 7:30 बज गए हमारी क्लास लो, तो कल तुम्हारा क्यूज है बायोटेक का, मुझे नहीं पता, बच्चे आ जाने चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू एट 7:30 PM इन अनअकैडमी लर्निंग ऐप इन स्पेशल फ्री लाइव क्लास। गो टू माई प्रोफाइल, फॉलो माई अनअकैडमी प्रोफाइल, विश मी हैप्पी टीचर सीरीज, बला बला, जो भी आप इस करना चाहते हैं, जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं, जाइए मेरे प्रोफाइल पर, भर दीजिए कमेंट से लगा के। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।